सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जड्यापह या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद। आज डॉक्टर भीमराव राम जी अम्बेडकर की जयंती उपलक्ष में हम यहाँ सब उपस्थित हैं और विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किए जा रहे राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन के लिए हमारे अतिथियों का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और आपके स्वागत के लिए मैं सादर अनुरोध करूँगा हमारे माननीय कुलपति जी का कि वे हमारे मुख्य अतिथि परमादरणीय श्री कैलाश सत्यार्थी जी, जो कि नोबल शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता हैं, उनका विश्वविद्यालय की ओर से कृपया स्वागत करें। हमारे विश्वविद्यालय के वरिष्ठतम डीन डॉक्टर आर डी के वर्मा से मैं निवेदन करता हूं मुख्य अतिथि का स्वागत करें। डी के वर्मा जी, इस राष्ट्रीय संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे प्रदेश के यशस्वी उच्च शिक्षा मंत्री जी के स्वागत के लिए मैं हमारे माननीय कुलपति जी डॉक्टर डी के शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वे श्रीफल शाल और तुलसी गमले से हमारे आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं
हमारे विश्वविद्यालय के कुलसचिव महोदय का कि वे आए, और आज के हमारे सारस्वत अतिथि परम आदरणीय श्री सुनील अम्बेडकर जी का विश्वविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करें। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे विश्वविद्यालय के नेक के परामर्शी आदरणीय डॉक्टर MMP श्रीवास्तव साहब को कि वे आके हमारे आज के विशिष्ट अतिथि आदरणीय हितेश शंकर जी का स्वागत करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं हमारे उच्च शिक्षा में आदरणीय एडिशनल डायरेक्टर साहब डॉक्टर सुरेश सिलावट जी का कि वे आए कृपया, और हमारे माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे जो अध्यक्ष हैं। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे संकाय अध्यक्ष डॉक्टर मनीषा सक्सेना जी का कि वे आए और कृपया आज हमारे बीच उपस्थित आदरणीय सुमिता सत्यार्थी जी का स्वागत करें। मैं इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर देवाशीष और डॉक्टर कौशलेन जी को आमंत्रित करता हूं कि कृपया आएं, और हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी का स्वागत करेंगे। आप कृपया आए और सम्मान करेंगे हमारे माननीय कुलपति जी का डॉक्टर कौशलेंद्र और डॉक्टर देवा जी। हमारे इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में कीनोट स्पीच के लिए आदरणीय प्रोफेसर विजय खरे जी, जो कि सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से हैं, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि वे आएँ, और हमारे जो सारस्वत अतिथि हैं आदरणीय सुनील अम्बेडकर जी का साहब का स्वागत करेंगे डॉक्टर विजय खरे जी। हमारा विश्वविद्यालय महू जन्मस्थली पर स्थापित है। मैं महू शहर की ओर से और हम सबके प्रतिनिधि की ओर से आदरणीय राधेश्याम यादव जी को आमंत्रित करता हूं कि वे हमारे विश्वविद्यालय महू शहर इन सब की ओर से मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष डॉक्टर शैलनमणि त्रिपाठी जी को कि वे कृपया आएँ, और हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय कैलाश सत्यार्थी जी का स्वागत करेंगे।
ये राष्ट्रीय संगोष्ठी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार दर्शन पर आधारित है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का दर्शन जो इस संकल्पना पत्र के रूप में बहुत संक्षेप में आपके सामने रखना चाहूँगा। इस संगोष्ठी के माध्यम से जिन बिंदुओं पर हम चर्चा करना चाह रहे हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें समतामूलक समाज की अवधारणा दी है और उसका आधार उन्होंने एक व्यक्ति एक वोट को ना मानते हुए उन्होंने एक व्यक्ति एक मूल्य को माना है। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था कि हम सामाजिक न्याय आधारित समतामूलक समाज का निर्माण करेंगे और उसके लिए उन्होंने हमें एक बहुत उत्कृष्ट संविधान दिया है। यहाँ पर मैं आप सबको यह बताते हुए भी बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ कि बाबा साहब के विचार और दर्शन पर आधारित ही हमारे इस विश्वविद्यालय के उद्देश्य हैं। और आज मैं हमारे माननीय मुख्य अतिथि विशेष अतिथियों के सामने यह भी बताते हुए बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ कि हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने जब हमारी पिछली 12 मार्च की इसी प्रकार की एक सभा को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय को वह सब देने का प्रयास किया, उन्होंने आश्वासन दिया जिससे एक उच्च कोटि का विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय बन पाए। आपके प्रति हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं सर। और साथ ही उन्हीं श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस सेमिनार के माध्यम से भी हम विचार मंथन करेंगे कि समावेशी राष्ट्र का निर्माण कैसे हो, शिक्षा का भारतीकरण कैसे हो, और जब वर्तमान में हम देख रहे हैं विश्व में जो अशांति है उसके लिए विश्व शांति की स्थापना कैसे हो, इन सब मुद्दों को रखते हुए हमने इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है और आप सब यहाँ पर हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं हमारे सभी माननीय अतिथियों और आमंत्रित गणमान्य नागरिकों और सभागृह में उपस्थित अपनी गरिमा में उपस्थित रहे सभी सभाजनों के स्वागत के लिए मैं हमारे माननीय कुलपति डॉक्टर डी के शर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रद्धेय कैलाश सत्यार्थी जी, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे मध्य प्रदेश के यशस्वी शिक्षा मंत्री माननीय मोहन जी यादव, आज के सारस्वत अतिथि परम श्रद्धेय भाई सुनील अम्बेडकर जी, विशेष अतिथि भाई हितेश जी, पधारे हुए समस्त अतिथिगण, प्रेस से आए हुए हमारे सारे साथी और प्रिय विद्यार्थियों, आज का दिन हमारे विश्वविद्यालय परिवार के लिए बहुत गौरवशाली दिन है। पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का दिन है और ये विश्वविद्यालय के लिए महापर्व के रूप में हम इसे मनाते हैं। क्योंकि पिछले 2 वर्ष से कोविड के कारण हम कोई कार्यक्रम नहीं कर सके, जन्मदिन नहीं मना सके, तो बहुत जोर शोर से हमने तैयारी की थी और विश्वविद्यालय ने यह तय किया था कि इस बार महामहिम राष्ट्रपति जी को आमंत्रित किया जाए और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जी को आमंत्रित किया जाए। महामहिम राष्ट्रपति जी का कार्यक्रम पूर्व से तय हो गया था, हम थोड़ा सा लेट हो गए, एक दिन हमारा पत्र लेट पहुंचा तो वहां से सहमति नहीं मिल सकी, लेकिन सत्यार्थी जी का कार्यक्रम मुझे मिला, मेरे विश्वविद्यालय को मिला। मैं हृदय से उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जिस दिन मैंने पदभार ग्रहण किया था उस दिन से मेरे मन में था कि भाई सुनील अम्बेडकर जी एक बार विश्वविद्यालय में आए। उस दिन से लगातार मैं कोशिश कर रहा था, उनके व्यस्तताओं के चलते किसी भी दिन समय नहीं मिल पाया था, लेकिन आज मैं सौभाग्यशाली हूँ कि पूज्य बाबा साहब के पुण्यतिथि पर उनके चरण विश्वविद्यालय में पढ़े, उनका मार्गदर्शन, उनका सहयोग, उनका आशीर्वाद इस विश्वविद्यालय को हमेशा मिलता रहेगा और यह देश का पहला सामाजिक विश्वविद्यालय है। मैं चाहूँगा कि यह विश्वविद्यालय अपना नाम स्थापित करे। मैं उनके प्रति हृदय से
बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि भविष्य में जब भी विश्वविद्यालय उन्हें आमंत्रित करे वो हमारे बीच में आए, हम लोगों का मार्गदर्शन करें। मैं हृदय से उनके प्रति बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। भाई हितेश जी मेरे परिवार के ही हैं। अभी हमने एक पीठ स्थापित की थी भारत रत्न नाना जी देशमुख की, मेरा निमंत्रण सहर्ष उन्होंने स्वीकार किया और उस पीठ के उद्घाटन में अतुल जैन जी के साथ वो आ चुके हैं। उनने मुझे आश्वस्त किया है कि जब भी विश्वविद्यालय उन्हें बुलाएगा, जब भी बुलाएगा वो जरूर हमारे बीच में आएंगे। उनकी व्यस्तताएँ सबसे ज़्यादा हैं, पूरी रात वो जाग के अपना अखबार का काम करते रहते हैं। यहाँ आने के बाद भी उनका कमरा बंद रहा और 12 घंटे वो अपना सारा अखबार का काम करते रहे। मैं किन शब्दों में उनका आभार व्यक्त करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा उन पर हक बनता है, अधिकार बनता है और वो थक के साथ में उन्हें बुला लेता हूँ और वो आ जाते हैं। फिर भी विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से उनके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि किसी विश्वविद्यालय के इतिहास में कोई नोबेल लॉरिएट का पदार्पण हुआ हो। सत्यार्थी जी का कार्यक्रम बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि कोविड में वो देश में हैं, अन्यथा हम परिवार के लोग भी 6-6 महीने उनसे नहीं मिल पाते, 1-1 साल नहीं मिल पाते, कोशिश करते कि वो कब विदेश से लौटेंगे, कब हमारी भेंट होगी। लेकिन चूँकि वो देश में थे और बाबा साहब की पुण्यतिथि थी, जब मैंने बताया कि अम्बेडकर जी भी हैं, हमारे माननीय मंत्री जी भी हैं, तो फिर उन्होंने अपनी सहमति दे दी। मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ हमारे माननीय मंत्री जी का। मैं बताना चाहता हूँ अम्बेडकर जी को, सत्यार्थी जी को, कि हमारा प्रदेश पूरे देश में पहला है जिसने नई शिक्षा नीति लागू की और इसका पूरा श्रेय हमारे माननीय मंत्री जी को जाता है। उनने सत्र शुरू हुआ कह दिया था कि मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू होगी, तमाम बाधाएं आई, तमाम व्यवधान आए, तमाम चीज़ों में कन्फ्यूजन हुआ, लेकिन मंत्री जी इस मामले में अड़िग रहे कि नहीं, हमारा नई शिक्षा नीति इसी सत्र से लागू होगी। लगातार वो हम लोगों की मीटिंग करते रहे, शिक्षाविदों के साथ संवाद करते रहे। ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि नई शिक्षा नीति को लेकर मंत्री जी ने अपनी चिंताएँ व्यक्त न की हो या उनका निराकरण न किया हो। मैं उनका बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस विश्वविद्यालय को उनकी पूरी छत्रछाया मिलती रहेगी। नाना जी देशमुख की पीठ के उद्घाटन के समय भी मंत्री जी हमारे बीच में आए थे और इस मंच से हमें पूरी तरह आश्वस्त कर दिया था कि इस विश्वविद्यालय को वो देश के नक्शे पर पहले नंबर पर ले जाएंगे। मैं पुनः स्मरण कराना चाहता हूँ हमारी दोनों मांगों के लिए जिसके लिए प्रस्ताव हमने भेज दिया है माननीय के पास, इस विश्वविद्यालय को एफिलेटेड यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, क्योंकि 5 जिले हमने मांगे हैं जो आदिवासी बेल्ट है, हमारा काम भी वहाँ चल रहा है विश्वविद्यालय का काफ़ी। यदि वो जिले हमें मिल जाते हैं, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, बड़वानी और खरगोन, तो ये विश्वविद्यालय अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। क्योंकि माननीय मंत्री महोदय जानते हैं अच्छी तरह कि विश्वविद्यालय एकल विश्वविद्यालय है, हमारे पास कोई एफिलेटेड कॉलेज नहीं है। मैंने पिछली बार भी उनसे विनम्र निवेदन किया था कि हमारे एक्ट में ये प्रोविज़न है कि पूरे मध्य प्रदेश में अपने अध्ययन केंद्र स्थापित कर सकते हैं। माननीय ने घोषणा की थी इसी मंच से कि आपको अध्ययन केंद्र स्थापित करने की अनुमति विभाग के द्वारा प्रदान की जाएगी। मैं पुनः उन्हें स्मरण कराना चाहता हूँ कि हमारा प्रस्ताव माननीय के पास पहुँच चुका है, वो अनुमति हमें मिल जाएगी तो हम जुलाई से केंद्र स्थापित कर सकते हैं, हमारा विश्वविद्यालय छात्रों के द्वार द्वार तक पहुंच जाएगा। ये मेरी उनसे बहुत विनम्र गुजारिश से विनम्र निवेदन है कि उसको देखें और जितने जल्दी हमें NOC दिला सकें तो उनके प्रति ये विश्वविद्यालय अत्यंत आभारी रहेगा। मैं अधिक समय नहीं ले रहा हूँ, अभी विश्वविद्यालय के लिए हमें SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट से ही सिर्फ राशि मिलती है, उसी राशि में हम हमारे कर्मचारियों की सैलरी बांटते हैं, पेट्रोल डीजल का, बिजली पानी का सारा खर्चा वे निकालते हैं। नेक हमें कराना है, नेक कराने के लिए स्टाफ की सबसे बड़ी समस्या है। माननीय की पिछली यात्रा में ये भी हमने
उनके समक्ष रखा था कि हमें 10 फैकल्टी डिप्लॉयड कर दें। मंत्री जी ने हमें आश्वासन दे दिया था कि हम 10 फैकल्टी आपको डिप्लॉयड कर देंगे। आज हम माननीय को नाम सौंप रहे हैं कि उन 10 प्रोफेसर हमारे यहाँ जाएंगे तो हम नए करा सकेंगे। करा रहे हैं कि हमारी ये भी एक मांग अभी लंबित है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि वो शीघ्र ही हमारी तीनों समस्याओं को, तीनों मांगों के बारे में निराकरण करेंगे। मैं एक बार सबका, मीडिया के लोगों का, आए हुए नगर के गणमान्य नागरिकों का हृदय से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि भविष्य में जब भी ये विश्वविद्यालय आपको आमंत्रित करता है आप जरूर आएँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय जी। गंभीर तथा उच्च स्तरीय पत्रिका जिसका की लॉन्च परम आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने 1948 में किया था लखनऊ में और जिसके पूर्व संपादक माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हैं, उसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे बीच आदरणीय संपादक महोदय उपस्थित हैं। मैं विशिष्ट उद्बोधन हेतु उनसे सादर अनुरोध करता हूँ। आदरणीय हितेश जी, धन्यवाद। डी के वर्मा जी, मंचस्थ आदरणीय भाई साहब कैलाश सत्यार्थी जी, संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर जी, उच्च शिक्षा मंत्री प्रदेश के मोहन यादव जी, सुमेधा सत्यार्थी जी, दिनेश शर्मा जी और इस सभागार में उपस्थित ज्येष्ठ श्रेष्ठ सुधी श्रोतागण, आज का जो विषय है और जैसा विषय है वैसे ही मंच पर सारस्वत उपस्थिति है, इसलिए कितना कहना। और पहले जैसे चिट्ठी पर लिखा होता था कि कम कहे को ज्यादा समझना, क्योंकि सबको कुछ कुछ कहना है, इसलिए मैं थोड़ा संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। वैसे भी मैं कहता हूं कि संपादन में संक्षेपण निहित होता है और हम लोग संक्षेप में ही चीजों को कहने के आदि हैं। आज से 7 वर्ष पूर्व, अभी मैं एक ट्वीट कर रहा था, तो आज से 7 वर्ष पूर्व आज ही के दिन पांचजन्य ने बाबा साहब के जीवन के विविध आयामों पर, उनके विचारों पर और उनके कृतित्व पर एक अंक का प्रकाशन किया था। उस समय कुछ लोगों को लगा कि यह प्रयास कैसा होगा, सफल होगा नहीं होगा, क्योंकि बाबा साहब को मानने वाली एक कोटरी है, एक वर्ग है, एक समूह है, ऐसा प्रचार किया जाता था। परंतु उस अंक को निकालने से पहले हमने 9 महीने तक शोध कार्य किया, उस आइडिया को कंसीव किया और जब वो अंक हम लेकर आए तो आपको आश्चर्य होगा कि लोग कहते थे कि संघ विचार से प्रेरित पत्रिका है, एक तरीके की बातें करती है, मगर बाबा साहब का वो अंक लाए और उसने देश में उस समय जो भी पत्रिकाओं के प्रसार के, बिक्री के और प्री बुकिंग के रिकॉर्ड्स थे, सारे रिकॉर्ड पहली बार में तोड़ दिए। लाखों की संख्या में वो अंक गया और पता चला कि करोड़ों की संख्या में लोग अपने बाबा साहब को जानना चाहते हैं। जब हम बाबा साहब को देखते हैं तो मुझे लगता है कि जैसे 3-डाइमेंशनल एनालिसिस होता है, उसमें एक बात आती है कि बाबा साहब को किस तरह से देखें। एक वो दृष्टि जो बाबा साहब के नाम पर राजनीति चलती है, बाबा साहब को उस दृष्टि से देखा जाए उनके व्यक्तित्व को। दूसरा, बाबा साहब को इस समाज की दृष्टि से देखा जाए। तीसरा, इस राष्ट्र के लिए बाबा साहब की क्या दृष्टि थी,
उस दृष्टि से बाबा साहब को देखा जाए। और मैं बाबा साहब का एक कोट है, मैं वो बोलता हूं, वो इस बात को बड़ा एक्सप्लेन करता है ठीक से कि हमारे यहां अलग अलग विरोधी विचार और राजनीतिक दल होंगे, मगर भारतीय जनता ये देश पर समुदाय को प्रधानता देगी या समुदाय पर देश को प्रधानता देगी। जब ये प्रश्न आएगा तो मुझे आशा है कि मेरे देशवासी एक दिन ये समझ सकेंगे कि देश व्यक्ति से बढ़कर है। सारा भ्रम छट जाता है केवल एक कोट देखो। तो आज जो राष्ट्र सर्वोपरि का नारा है, वो राष्ट्र सर्वोपरि का वही नारा तो बाबा साहब का है। आज ये पूरा देश जिस भावना से काम कर रहा है, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, राष्ट्र सर्वोपरि की बात करते हैं, बाबा साहब की और इस बात में अंतर कहां पर है? ये वो शब्द हैं जिसमें बाबा साहब के दिल की बात है और उनके इसकी गूंज जो है उनके लेखन में, उनके जीवन में, उनके कृतित्व में आपको बार बार मिलती है। समाज का काम मेरा काम है, समाज का दुख मेरा दुख है, समाज का हित यही मेरा हित है। जब बाबा साहब ये कहते हैं और करते हैं तो आप देखिए, आज कुटुंब और कोटरी के हमने बहुत सारे परिवारवादी प्रयोग राजनीति में देखे, मगर बाबा साहब किसी कुटुंब कोटरी के चक्कर में नहीं पड़ते, वो कोई छोटी पगडंडी नहीं बनाते, वो राष्ट्रीय हित का राजमार्ग रचते हुए चलते हैं। और जब वो ऐसा करते हैं तो उसके पीछे बड़ी कड़ी मेहनत होती है। मैं सबसे कहता हूं कि बाबा साहब के जीवन से अगर कोई प्रेरणा लेनी हो, ये एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, छात्र और शिक्षक कैसा कड़ा परिश्रमी जीवन है। एक समय वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी कर रहे हैं, साथ में वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी और डीएससी कर रहे हैं। मैं बहुत सम्मान से भारत में जो भी नेता हैं, पढ़े लिखे हैं राजनीतिक दलों में, बड़े बड़े नाम आते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी नाम आता है, परंतु बाबा साहब के जितना पढ़ा लिखा नेता जब हम उनका एकेडमिक कैरियर देखते हैं तो उनके आसपास कोई नहीं दिखता। कितनी कड़ी मेहनत रही होगी, लोग बाहर जाकर पढ़ना यही बड़ी बात होती है, अभावों में से निकलकर पढ़ना, उसमें भी एक जगह नहीं दो जगह पढ़ना, और दो डिग्री नहीं चार डिग्रियों के लिए पढ़ना, और हर में अपनी सिद्धता हासिल करना, और ये सबको स्वीकार करवाना, अपनी मेधा का लोहा मनवाना, ये काम उन्होंने उस समय पर किया। और मैं दूसरी चीज जो देखता हूं कि पिछले कई दशकों में बाबा साहब का जो अंकन हुआ है, जो चित्रण हुआ है, जिस तरह की छवि उनकी पेश की जाती है, वो मुझे स्वीकार नहीं है। बाबा साहब को दिखाया जाता है बड़े गुस्सैल थे, वो बड़े झगड़ालू थे, एक वर्ग की बात करते थे दूसरे वर्ग की नहीं। अपने बाबा की छवि किसी परिवार को ऐसी स्वीकार नहीं हो सकती, वो ऐसे नहीं थे। घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो उनके आपको आक्रोश दिख सकता है, झुंझलाहट दिख सकती है, मगर उसके मूल में उस परिवार की चिंता ही होती है। बाबा साहब की चिंताओं में समाज की चिंता वो उनके जीवन में थी। और जाति की अगर बात करें तो बाबा साहब के जीवन में जो लोग आज जाति देखते हैं और बताते हैं कि वैमनस्य उनके मन में था, वो अपने बाबा साहब से छल कर रहे हैं। मुझे जब हम ये शोध कर रहे थे तो उनके एक शिक्षक का एक वृतांत पढ़ने में आया, कृष्णा केलुस्कर जी ने उन्हें गौतम बुद्ध की जीवनी पढ़ने को दी थी, और बाबा साहब ने कहा कि मैं अपने उन केलुस्कर सर और उस जीवनी को आजीवन भुला नहीं पाया। इसी तरह नाम, बाबा साहब का नाम जो हम आंबेडकर लिखते हैं, बाबा साहब का नाम भीमराव रामजी सकपाल, ये नाम हो सकता था, रामजी उनके पिताजी का नाम था, परंतु उनके एक शिक्षक थे कृष्णा महादेव आंबेडकर, वो अपने शिष्य को की मेधा को जानते थे, ब्राह्मण थे मगर अपना नाम उन्होंने दिया और उस ब्राह्मण शिक्षक के दिए हुए नाम को अपने दिल से लगा के रखा बाबा साहब ने। कोई करता है इसकी बात? जातियों की बात करने वाले ये भी नहीं करते। मैं कल जन्मभूमि पर देख रहा था, एक बड़ा सुंदर चित्र था, उसमें पत्नी उनके साथ थी,
बाबा साहब की पत्नी स्वयं सारस्वत ब्राह्मण थी। अगर कटुता होती तो क्या ये प्रेम पनप सकता था? उनके जीवन के इस पक्ष के बारे में कोई बात नहीं करता। बाबा साहब ने बहुत ऐसी लड़ाइयां जिसमें अपमान का घूंट पीना पड़ता है, वो लड़ाइयां उन्होंने लड़ी। जब बचपन में एक छोटा बच्चा अपनी माँ के सामने जिद करता है कि मैं भी इन बच्चों के साथ खेलूंगा, तो माँ कहती है कि नहीं, तू सूबेदार मेजर का बेटा जरूर है, मगर तू उसके साथ महार है। छुआछूत की भावना एक बच्चे को कैसे चोट पहुंचाती है, बाबा साहब ने वो देखा। चौदार तालाब का मामला, मंदिर प्रवेश का मामला, जानवर पानी पीते हैं, हम पानी नहीं पी सकते, ये सारी चीजें उन्होंने देखी। मगर उसके बाद भी, और मां की तबीयत खराब होती है जिस मां ने आगे पढ़ने भेजा विपरीत परिस्थितियों में, मगर उस मां को देखने के लिए डॉक्टर आने को तैयार नहीं है। इतना अपमान, इतनी उलाहना, एक छोटा सा बच्चा देखता है। मगर बाबा साहब का बड़प्पन यह है कि सारे अपमान के बाद भी जहर का घूंट पीते हैं मगर समाज को अमृत देते हैं, इसीलिए वो हम सब के बाबा हैं। गलती करी होगी किसी ने, अव्यवस्था करी होगी किसी ने, अव्यवस्था को ही व्यवस्था बताया होगा किसी ने, मगर हम मिलकर इसको ठीक करेंगे। इस संकल्प का नाम है अंबेडकर। और मैं एक और बात से बहुत प्रभावित हुआ कि जो दूरदृष्टि है बाबा साहब की, जिसमें आज दुनिया भर में हम देख रहे हैं कम्युनिज्म के मॉडल गिर रहे हैं, बाबा साहब ने बहुत पहले देख लिया था। ISIS, तालिबान, अफगानिस्तान, किस तरह का व्यवहार है, इस्लामी उन्माद, बाबा साहब कहने में हिचकते नहीं थे। जब उनका अध्ययन करो तो कहने में हिचको मत। ये दोनों चीजें बाबा साहब ने समय से पहले उसी समय देख ली थी जब कोई इसकी चर्चा नहीं करता था। मजदूर संघ के जो संस्थापक थे दत्तोपंत ठेंगड़ी जी को उनका निकट सानिध्य मिला, उनकी एक पुस्तक भी है बाबा साहब पर, उसका उस पुस्तक में आपको एक संदर्भ मिलेगा, उनका साक्षात्कार जो है वो बताता है। वो कहते हैं कि अनुसूचित जातियां और कम्युनिज्म, इनके बीच में आंबेडकर एक दीवार है, और सवर्ण जातियां और कम्युनिज्म, इसके बीच में गुरुजी गोलवलकर, वो एक दीवार हो सकते हैं। मतलब संघ को भी समझते हैं, उसकी शक्ति को भी समझते हैं, समाज का अभी जो अव्यवस्था है उसको भी समझते हैं, मगर एकीकरण का रास्ता भी उनको पता है, और कम्युनिज्म कैसे तोड़ने का काम कर रहा है ये बाबा साहब ने खाका उस समय पर सामने रख दिया था। बाबा साहब ने लिखा कि मैं कम्युनिस्टों का कट्टर दुश्मन हूं, कम्युनिस्ट राजनीतिक स्वार्थ के लिए मजदूरों का शोषण करते हैं। आज बाबा साहब की जो बात करते हैं वो बाबा साहब की असल चिंताओं को क्यों भूल जाते हैं, और जो समझते हैं कि बाबा साहब ने बौद्ध मत अपनाया, परंतु उसके पीछे एक आक्रोश और झुंझलाहट थी, मगर एक आशा भी थी कि हम सब एक होंगे। उन्होंने कानून मंत्री के तौर पर, एक गौर करने वाली बात है, कानून मंत्री के तौर पर जो प्रस्ताव उन्होंने रखा और जिस हिंदू कोड बिल का प्रस्ताव रखा, उसमें उन्होंने हिंदू शब्द की जो व्याख्या की उसके अंतर्गत ही वैदिक मतावलंबियों को रखा, सिखों को रखा, शैव जैन बौद्ध सभी को एक जगह रखा। जैसे एक बरगद का पेड़ होता है, उसकी शाखाएं अलग अलग होती हैं, मगर हमारा ये कोड बिल हमें एक साथ रखेगा। आज पांचजन्य का संपादक ये बात आपसे कह रहा है, मगर उस समय का आप आर्काइव में जाके इंडियन एक्सप्रेस निकाल के देखिए, आपको यही टीका उस समय पर मिलेगी। क्या बाबा साहब को देखने का चश्मा क्या हो, वो चश्मा बाहर के लोग आके हमें पहनाएंगे, हमारी दृष्टि में खराबी पैदा करेंगे। और मैं अपनी बात को ज्यादा नहीं कहता, ये स्थान अपने आप में एक विलक्षण स्थान हो गया है। यहां एक बाबा साहब शोधपीठ है, एक नानाजी देशमुख भी शोधपीठ है, दो भारत रत्न हैं, एक बाबा है एक नाना है, एक रामजी सकपाल हैं और एक रामजी के वो भक्त हैं जिन्होंने वंचितों की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। ये वो विश्वविद्यालय है जिसने नाना और बाबा दोनों को एक साथ कर दिया। और याद रखो कि जब किसी कुनबे में कितने ही झगड़े हों,
मगर नाना और बाबा जब एक साथ बैठ जाते हैं तो झगड़ा नहीं रहता, बाहर वालों की नहीं चलती। आज ये संकल्प लेकर हम जाएं कि हम दोनों सोचों को देखेंगे, बाबा को भी समग्रता से समझेंगे, उनके नाम पर षड्यंत्रों को भी देखेंगे। राजनीति होती है तो उस राजनीति की छान फटक भी हम उसी तीव्रता, उसी अध्ययन, उसी मेधा, उसी परिश्रम से करेंगे जैसा बाबा साहब ने की थी। अगर हम ये शोध का संकल्प ले लें तो मुझे लगता है इस विद्यालय में आज का ये आयोजन जो है सफल साबित होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सारगर्भित उद्बोधन और बाबा साहब भीमराव राम जी अम्बेडकर के बारे में जो आपने कहा वो नितांत सत्य है कि अधिकांश बाबा साहब को मानते हैं पर उनकी नहीं मानते हैं, उनकी विचारधारा को नहीं मानते हैं। ये हमें बहुत अच्छी तरह से आपने यहाँ स्पष्ट किया। हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए युवा हस्ताक्षर, ऐसी शख्सियत जिसने युवा शक्ति को पहचान कर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से संगठित किया, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का ही ये हमारे लिए सूत्र वाक्य है, शिक्षित बने, संगठित रहें और संघर्ष करें। और उसके लिए आपने न केवल करप्शन के अगेंस्ट मुहिम छेड़ी, अपितु थिंक इंडिया बना के आपने एक प्रकार का मार्ग प्रशस्त भी किया। ऐसी शख्सियत आज सारस्वत अतिथि के बीच में हमारे बीच उपस्थित हैं, परम आदरणीय सुनील अम्बेडकर जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं उनके सारस्वत उद्बोधन के लिए। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनके आज जयंती का, जन्म जयंती का दिवस है, इस शुभ अवसर पर मैं उनको अभिवादन करता हूँ। आज मेरा भी सौभाग्य है कि आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के इस पावन जयंती के पावन अवसर पर मुझे उनके जन्मस्थली महू में आने का अवसर मिला। और कारण कहीं होंगे, लेकिन जब मुझे यहाँ आने का निमंत्रण प्राप्त हुआ तो उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा आकर्षण आज उनके जन्म जयंती पर होने वाला, जन्मस्थान पर होने वाला ये कार्यक्रम, और इसी कारण से मैंने आने का मन पक्का किया। और मुझे, मैं आज विश्वविद्यालय के इस विशेष आयोजन में हम सबके लिए हर्ष का विषय है कि नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित बहुत प्रसिद्ध ऐसे समाजसेवी डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, प्रदेश के शिक्षा मंत्री और हमारे मित्र श्रीमान मोहन यादव जी भी यहाँ उपस्थित है, विश्वविद्यालय के कुलपति जी और सारे पदाधिकारी भाभी जी सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, यहाँ विश्वविद्यालय का सारा परिवार यहाँ उपस्थित है, सभी को अभिनंदन और आज के इस विशेष पर्व पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि ये बात बाबा साहेब अम्बेडकर जी के साथ बिल्कुल ठीक से लागू होती है कि कहते हैं कि कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता है तो उनके जीवन काल जैसा जैसा आगे बढ़ते जाता है तो उनके जीवन काल में उनका जितना महत्व समझ में नहीं आया, समय के साथ उनके कार्य का महत्व और उन धीरे धीरे समझ में आता है।
तो मुझे लगता है कि जैसा जैसा समय आगे बढ़ रहा है, मैं 1991 की बात मुझे याद आ रही है कि उनके जन्म शताब्दी वर्ष के निमित्त देशभर में बहुत बड़े कार्यक्रम हुए थे और नागपुर में एक जागतिक बौद्ध प्रदर्शनी का आयोजन हुआ था और एक संदेश यात्रा का आयोजन किया था। मुझे उसमें बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलने का अवसर मिला कि जिन्होंने बाबा साहब के साथ भी काम किया और नागपुर के क्षेत्र में उनके साथ सक्रिय रहे। और जब हम वो संदेश लेकर हर कॉलेज में, हर स्कूल में, हर शिक्षा परिसर में गए नागपुर के आसपास, समाज के सभी वर्ग के पास गए, मुझे लगता है कि मतलब कोई ऐसा स्कूल शिक्षा का परिसर हमने नहीं छोड़ा था। और मैं स्वयं ही लगभग 100 से ज्यादा ऐसे शैक्षिक परिसरों में गया था। और ये बात मैं यहां कहना चाहता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के मानने वाले सभी की ये जिम्मेदारी है, वो उस उनकी जाति से आते हैं नहीं आते हैं, वो नवबौद्ध बने नहीं बने हो, उन सब की जिम्मेदारी है कि बाबा साहब का जो एक राष्ट्रीय व्यक्तित्व है, उनके विचार में, उनके कर्तृत्व में, उनकी कृति में, जो दृष्टि में जो एक व्यापकता है, समय की व्यापकता, भौगोलिक व्यापकता, समाज की दृष्टि से व्यापकता, उस व्यापकता भव्यता को समझना और पूरे देश के सामने उसको रखना आवश्यक है। क्योंकि बाबा साहब की जरूरत मुझे लगता है केवल समाज के जिनको तथाकथित पिछड़े कहा गया, केवल उस समुदाय के लिए नहीं है, बल्कि बाबा साहब को समझने की जरूरत पूरे देश को है। और इसलिए देखिए, बाबा साहब के जीवन में उनके जीवन का बहुत कष्टमय जीवन का प्रारंभ है और अंत तक भी कष्ट उनको झेलने पड़े, इसका वर्णन अगर सुनते तो आज भी रोंगटे खड़े होते हैं। परंतु बाबा साहब के जीवन में ये सबसे बड़ी बात है कि उन सबसे रास्ता निकालकर उन्होंने, कई लोग जाते हैं करियर करने के लिए बाहर, विदेश में पढ़ने जाते हैं, और आज से इतने वर्ष पूर्व कोई व्यक्ति अमेरिका जा रहा है और विदेश में जाकर इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा है और समाज के ऐसे वर्ग से जा रहा है कि जहां पढ़ने का अवसर ही नहीं मिला है। जाने के बाद उनके मन में दूसरा कोई विचार ही नहीं है कि मैंने अपनी इतनी इतनी शिक्षा, इतना अनुभव, इतना ज्ञान, इतना करियर तो अपने व्यक्तिगत करियर बनाने के लिए नहीं किया, तो अपने समाज का, अपने देश का करियर आगे बढ़े, इसलिए उन्होंने अपना पूरा करियर उसमें समर्पित कर दिया। और इसलिए विश्वविद्यालय में ये बात मैं इसलिए जोर से कह रहा हूं कि उनका ये आदर्श मुझे लगता है कि हमारे देश के सारे युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये ऐसा समय है कि जब भारत आगे बढ़ रहा है और देश का हर व्यक्ति इसको आगे बढ़ाना चाहता है, उस समय उनके जीवन का ये संदेश हमारे देश के युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्वाधीनता के 75 वर्ष को हम लोग मना रहे हैं, उनके लिए देश एक नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग बात थी, देश उनके लिए सर्वप्रथम था और समाज की एक स्पष्ट समझ थी, मतलब उनके अंदर आक्रोश था, गुस्सा था, प्रतिक्रिया थी,
परंतु एक उनकी समझ और निर्णय की प्रक्रिया बहुत मजबूत थी। समाज में बहुत सारे विषय चलते हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर और जोगेंद्रनाथ मंडल दो नेता थे। जोगेंद्रनाथ मंडल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में थोड़े आगे थे, उनको सफलता भी मिली थी। उस तुलना में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को इलेक्टोरल सफलता उतनी नहीं मिली, परंतु केवल इलेक्टोरल सफलता से ही कोई नेता नहीं बन जाता या बड़ा नेता नहीं बन जाता, यह उनके जीवन से समझना बहुत जरूरी है। केवल इलेक्टोरल सक्सेस के लिए जो कॉम्प्रोमाइज करता है उसका, और अपने तत्व से अपने देश से कॉम्प्रोमाइज करता है, उसका इतिहास में नाम नहीं रहता है। और अपने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को न देखते हुए जो देश को सबसे पहले रखता है वो इतिहास में अपना नाम रखता है, आने वाली पीढ़ियों से पीढ़ी के लोग उससे आदर्श लेते हैं। देश में बहुत गंभीर परिस्थिति हो रही थी, कट्टरपंथी जो अलगाववादी मुस्लिम शक्तियां थी उन्होंने केवल मुस्लिम समाज को यह अलगाव से जोड़ने का प्रयास नहीं चलाया था, तो समाज के अन्य वर्ग को भी और विशेषकर अनुसूचित जाति के लोगों में यह प्रचार करने का प्रयास किया था। और जोगेंद्रनाथ मंडल जी को यह कहा गया कि आप आइए, आपको नया पाकिस्तान बनेगा, उसमें बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दिया जाएगा। आपको शायद मालूम होगा कि पाकिस्तान के जो लॉ मिनिस्टर बने पहले वो जोगेंद्रनाथ मंडल थे बंगाल के, और भारत में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे जो इस सारी प्रक्रिया में और संविधान निर्माण में संविधान निर्माता बने। परंतु वो कॉम्प्रोमाइज करके वहां पर गए थे और उनको ये अनुभव आया कि मैं जिस अपने अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए एक ऐसा समझौता कर रहा हूं कि इस नए देश में मुझे कोई स्थान मिलेगा, उन्होंने जिस अवस्था को देखा उससे उनको अंततः वहां से भागकर आना पड़ा, और उन्होंने इसके बारे में अपना पूरा जीवन का अनुभव लंबा चौड़ा लिखा है। ये आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे देश में कई बार ऐसे विषय आते, विषयों को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। कभी कोई कोई विवाद होते हैं, कुछ दिनों पूर्व सीए का विवाद हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का। वो कौन लोग थे जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के उस एरिया से, बांग्लादेश के एरिया से भारत में आए हैं, और ऐसे हिंदू जिनको नागरिकता देनी है वो कौन लोग थे? वो जोगेंद्रनाथ जी और उनके ऐसे लोगों के कहने पर वहां रह गए ऐसे मैक्सिमम अनुसूचित जाति के ही लोग थे जो भारत में उस समय आए या बाद के समय में पीड़ित होकर आते रहे। ऐसे लोगों को नागरिकता देने के लिए मैक्सिमम वही लोग उस लिस्ट में थे। तो कई बार इसलिए बाबा साहेब इस मामले में, उन बाबा साहेब को देखेंगे तो उनके विचार बहुत स्पष्ट थे, और इसलिए ऐसे जब भी कोई विषय आता है तो मुझे लगता है कि पूरे देश को बाबा साहेब के निर्णय और उनकी जो दिशा है उससे स्पष्ट मार्गदर्शन लेना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने 20 नवंबर 1956 को काठमांडू में अपना स्पीच दिया, उनका मुझे लगता है लगभग वो अंतिम सार्वजनिक भाषण था, और उस भाषण का विषय था कार्ल मार्क्स और बुद्ध। उस भाषण में वो साफ तौर पे कहते हैं, उपलब्ध है वो भाषण, कि जो भी दुनिया में देश में शोषित पड़ी पीड़ित भारत में है, जो भी उसमें से मुक्त होना चाहते हैं या जो उनको मुक्त कराना चाहते हैं, उनके लिए भगवान बुद्ध का जो शांति का मार्ग है वो जब तक उपलब्ध है तब तक इनको मार्स के हिंसक रास्ते पर जाने की किसी को जरूरत नहीं। बहुत स्पष्ट निर्देश है उनका देश के लिए। और इसलिए बाबा साहेब अंबेडकर जी के जीवन के जो संदेश है ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि जैसा जैसा समय आगे बढ़ रहा है हम लोगों को उनके संदेश को और गहराई से देखने की जरूरत है।
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आज हम लोग स्वाधीनता के 75 वर्ष मना रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान निर्माता थे, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी और अलग अलग विचार के संविधान सभा में जितने लोग थे उन सब की चर्चाएं शांति से सुनना, उस पर जवाब देना, उस पर सहमति बनाना और उसके बाद आगे बढ़ते जाना। एक स्वाधीन भारत का, इतने बड़े विशाल देश का, जो हजारों वर्षों का देश है, जिसमें कई सारे अच्छे पुरुषार्थक गुण हैं और जिसमें दोष भी है, दोषों का निवारण करना है और हमारे देश के गुण है उसको बढ़ाना है। इसलिए वो कहते हैं कि केवल अपने अंतिम भाषण में बोलते हैं कि केवल पॉलिटिकल इक्वेलिटी यानी हर एक व्यक्ति को मत का अधिकार समान या पार्लियामेंट में अधिकार समान, ये पॉलिटिकल इक्वेलिटी से केवल पूरा नहीं होगा ये काम। तो सामाजिक जो एकता है उसके बारे में वो बात करते हैं और ये सामाजिक एकता जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता और समता दोनों जरूरी है लेकिन वो बंधु भाव के बिना संभव नहीं है। ये बंधु भाव के बारे में विचार करना आवश्यक है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का जो जीवन था वो वास्तव में क्रांतिकारी था क्योंकि कुछ सैकड़ों वर्षों से, कम से कम 400-500 वर्षों से तो जिस विपरीत परिस्थिति जो हमारे समाज में उत्पन्न हुई कि जाति के और जन्म के आधार पर जाति और जाति के आधार पर भेदभाव और अस्पृश्यता तक वो पहुंच गया था, बहुत सारे प्रयत्न हुए देश के हर कोने में वो सारे प्रयत्नों के अपने अपने प्रभाव भी थे। उस सारे काल में जितने भी देश में संत हुए, मैं तो महाराष्ट्र से आता हूं, महाराष्ट्र में तो लगभग हर जाति से संत आए और जो संत केवल जाति के नहीं पूरे समाज के संत बने और हर एक संत ने यही संदेश दिया कि हम सब एक होकर कैसे आगे बढ़े और जो भेदभाव का दोष है उसको कैसे निकालें। ये प्रयास लगातार चलते रहे, केरल के नारायण गुरु से लेकर संत रविदास से लेकर हर जगह ये प्रयास चलते रहे। इसलिए ये बात मानना समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं कि इसको ही सही मानकर हमारा समाज चल रहा था, ये समाज का भी संघर्ष सतत रूप से चल रहा था और जिन जिन लोगों ने ये बात उठाई उन सब का पूरे समाज ने जातियों से ऊपर उठकर समर्थन किया और उनको एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। अब आगे जाकर परंतु वो प्रयत्न शायद पूरे नहीं हो रहे थे और किसी ऐसे नेता की, ऐसे किसी महात्मा की, ऐसे किसी बोधिसत्व की हमें जरूरत थी। तो बात करें और इस प्रश्न को एक तरीके से, निर्णायक तरीके से इसको खत्म करें, एक ऐसी दिशा में इसको डालें कि जो अब बढ़ने की ओर नहीं खत्म होने की ओर ही जाए। और मुझे लगता है कि ऐसा ऐतिहासिक कार्य अगर इस देश में करने का श्रेय किसी को जाता है तो निश्चित रूप से, उसमें कोई विवाद नहीं, वो निश्चित रूप से वो श्रेय डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को ही जाता है। और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के कार्य का परिणाम हमारे देश के अनुसूचित जाति जनजाति, उनका जीवन, उनके संविधान में स्थान, स्वतंत्र भारत में उनका स्थान, देश की आर्थिक विकास में उनका स्थान, ये सारे जीवन मान सम्मान शिक्षा ये सब पर बहुत बड़ा परिणाम हुआ है। मतलब मैं कभी कभी सोचता हूं कि हमारा देश अगर ऐसा नहीं हो पाता तो हम कहां खड़े होते आज इस सदी में, शायद हम उसी अंधकार में रहते, उससे मुक्त कराने का काम बाबा साहेब ने किया है। अब आगे की बात बहुत महत्वपूर्ण है, जो इस कार्य का परिणाम
क्योंकि वो प्रखर थे, जब टिप्पणी करते थे तो हिंदू समाज में जो बुराई है उस पर बड़े कठोरता का प्रहार करते थे, और जब ऐसा प्रहार कठोर होता है तो कभी कभी वो कड़वा भी होता है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है ऐसा कड़वा प्रहार आवश्यक भी होता है। और कोई महात्मा अगर कड़वा प्रहार करता है तो समाज को उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार ही कर लेना चाहिए। और इसीलिए उसके वाक्यों का परिणाम हिंदू समाज पर भी हुआ। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को मानकर पूरा देश चलने के लिए सिद्ध हुआ, ये उसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। और सार्वजनिक जीवन में कम से कम भेद, अस्पृश्यता और इस तरीके की बातें नहीं मानना, कम से कम पढ़े लिखे लोगों ने अपने सार्वजनिक जीवन में इसको नहीं मानना, इसका एक कम से कम परिणाम निश्चित हुआ है। अब हमारी नई जितनी भी व्यवस्थाएं बन रही है उन व्यवस्थाओं में इन भेद का कोई स्थान नहीं है। फिर भी केवल व्यवस्थाओं से यह संभव नहीं है। अब हम एक अंतिम बात में इसमें आप हम लोग यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, और यूनिवर्सिटी में बैठे हुए लोगों का एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी रहता है। समाज तो इमोशंस पर चलता है, पॉलिटिक्स तो पॉलिटिकल इंटरेस्ट के अनुसार चलता है कि उस समय उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट में क्या है, इसके आधार पर पॉलिटिकल लीडरशिप बोल सकती है, दल बोल सकते हैं। और जिनको जाति की राजनीति करनी है वो तो शायद इसको इसी पर बोलते रहेंगे ताकि भेद बना रहे और कार्य चलता रहे। परंतु जो एकेडमिक्स में आए हैं उनको थोड़ा सा ठंडे दिमाग से इस पर विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि एकेडमिक्स का काम केवल प्रश्न उठाना नहीं होता है। तो उनका ये जिम्मेदारी होती है कि सॉल्यूशन क्या है। ये देश हमारा है, समाज हमारा है, हमारे अंदर समस्या है, परंतु दुनिया में कहीं भी किसी के पास इस समस्या का समाधान नहीं है। जो लोग दावा कर रहे हैं वो धर्म के नाम पर भी कैसे एक दूसरे को पीट रहे हम देख रहे हैं। जो लोग बड़े विकसित होने का दावा कर रहे हैं वो आपस में कितना लड़ रहे हैं। हर एक की अपनी शोषण की कहानी है, वो अपने ब्लैक एंड व्हाइट का ही अभी सवाल नहीं कर पाए तो वो हमें क्या सॉल्यूशन देंगे। इसलिए हमारे समाधान हमें बैठकर ढूंढने पड़ेंगे। और इसलिए समाज में कुछ लोगों को ये नेतृत्व लेना पड़ेगा कि ठंडे दिमाग से, शांति से, क्योंकि चर्चा तो तब होगी ना कि जब कुछ लोग शांति से बैठेंगे कि ये हमारा समाज है भाई, ये व्यवस्था खराब है, तो वैक्यूम में तो नहीं रह सकते। नई व्यवस्था कौन सी होगी जो हम सब जिनको व्यवस्था में रहना है वो बैठकर बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि जो ऐसी नई व्यवस्था कौन सी होगी जो शोषण मुक्त होगी, जो न्याय की होगी, समता मूलक होगी, वो कौन सी व्यवस्था होगी। और मुझे लगता है कि उसका स्थान निश्चित रूप से यूनिवर्सिटीज और हमारे एकेडमिक सेंटर्स है, जहां कुछ लोगों को उस इंटरेस्ट से ऊपर उठकर बात करनी पड़ेगी, जो चाहे वो तथाकथित अनुसूचित जाति से आते हो या तथाकथित सामान्य वर्ग से आते हो। सभी को, सभी में से ऐसे समझदार लोगों को आगे आकर विश्वविद्यालयों में इस पर बहस करनी पड़ेगी कि नई व्यवस्था कैसी होगी। मुझे लगता है कि आज स्वाधीनता के 75 वर्ष बीत चुके हैं, अब केवल समस्याओं पर हम बात करते रहे ये उचित नहीं होगा। ये हमारा देश, हमारा समाज है, हम आगे बढ़ रहे हैं। इस समय ऐसे नए नेतृत्व उभरना हर समाज से आवश्यक है। मैं यहां बैठे हमारे सभी युवा मित्रों को भी ये कहना चाहूंगा कि आज देश को ऐसे समझदार नेतृत्व की हर वर्ग से आवश्यकता है, और वो ऐसे समझदार लोग सब हर वर्ग से आकर इकट्ठा बैठे, चर्चाएं करें कि भाई नई व्यवस्था कैसी होगी। भगवान बुद्ध आए थे, उन्होंने सबके साथ बैठकर एक नई व्यवस्था निर्माण का प्रयास किया था।
मुझे लगता है कि उस बोधि तत्व से हम लोगों को भी पुनः एक बार शांति से बैठकर विचार करने की जरूरत है। उसी से उसके लिए सामाजिक सद्भाव की आवश्यकता है। सब जाति समुदाय के ऐसे समझदार नेताओं को एक साथ बैठकर ऐसी चर्चा बड़े लेवल पर नहीं, अपने जिला तहसील लेवल पर, अपने यूनिवर्सिटी लेवल पर करने की जरूरत है। उसी से रास्ते बनेंगे और उसी से हम लोगों का ये जो देश है आगे बढ़ेगा। हमने जो बहुत अच्छा किया उसको उससे हम ज्यादा अच्छा करेंगे। और मुझे लगता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी का सच्चा स्मरण होगा और इस स्मरण के लिए हम सब लोग पहल करें, यही आज मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। और आज विश्वविद्यालय ने बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जन्मस्थल पर महू में ही ये विश्वविद्यालय है, वहां पर आज हम लोग ऐसे विचार विमर्श कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में महू का ये संदेश पूरे देश भर में जाना चाहिए। वो आज़ादी के 75 वर्ष बाद एक नए क्रांति का संदेश होगा और उस संदेश के लिए हम सबको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यही मैं अंत में आह्वान करूंगा। पुनः एक बार भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब अम्बेडकर जी की को अभिवादन करता हूं उनके जन्म के पावन दिवस पर। नमस्ते। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। निश्चित ही विश्वविद्यालय ज्ञान सृजन के केंद्र होते हैं और जैसे आपने मार्गदर्शन दिया है, हमारा विश्वविद्यालय भी उसी प्रयास के लिए और उसी कड़ी में मैं हमारे माननीय अतिथियों के समक्ष विश्वविद्यालय के दो प्रकाशन प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं डॉक्टर देवाशीष देवनाथ को, डॉक्टर मनीषा सक्सेना को और हमारे माननीय कुलपति जी को, जिन तीनों के संपादन से एक बाबा साहब के विचार और दर्शन आधारित पुस्तक का प्रकाशन इस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है। मैं माननीय हमारे मुख्य अतिथि, माननीय अध्यक्ष, माननीय सरस्वती अतिथि और विशिष्ट अतिथियों से अनुरोध करूंगा, कृपया वे अपने कर कमलों से इस विश्वविद्यालय प्रकाशन का विमोचन करें। बाबा साहब अम्बेडकर के विचार एवं दर्शन पर आधारित 12 लेखों का यह संकलन हमारे संकाय सदस्यों शोधार्थियों द्वारा लिखा गया है, जिसका विमोचन हमारे माननीय अतिथिगण कर रहे हैं। दूसरा प्रकाशन हमारे विश्वविद्यालय द्वारा एक वृहद स्तर गहन शोध अध्ययन है, जो कि 16 वर्षों में 7.5 लाख प्रकरण जो अत्याचार के हैं उसके ऊपर आधारित है, जिसका शोध कार्य मैंने दीपक कुमार वर्मा और मेरे साथी प्रेमचंद बंसल जी ने किया है। मैं आमंत्रित करता हूं प्रेमचंद बंसल जी को कि वे आएं और पुस्तक का विमोचन हेतु हमारे अतिथिगणों से आग्रह करें। यह शोध कार्य निरंतर जारी है और हर 2 वर्ष के अंतराल में इसका रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत प्रकाशन का प्रस्तुतिकरण हमारे मध्य प्रदेश शासन के माननीय अनुजाति कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में भोपाल में किया गया था और उनके अनुमोदन के पश्चात आज ये पुस्तक के रूप में प्रकाशित की जा रही है। मैं अब हमारे इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के माननीय मुख्य अतिथि जी, परम आदरणीय कैलाश सत्यार्थी जी, नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित, आपको सादर आमंत्रित करता हूं मुख्य अतिथि उद्बोधन के लिए। प्यारे बच्चों,
आज की इस गोष्ठी के अध्यक्ष भाई मोहन यादव जी, हमारे शाश्वत अतिथि आज के और विशिष्ट मित्र भाई सुनील अंबेकर जी, कई बार जब मैं इनका नाम पहले स्मरण करता था तो मेरे मुंह से अंबेडकर निकलता था, सुनील अंबेडकर जी। आसान है ना कहना, अंबेडकर का नाम तो हमारे जुबान पे चढ़ा रहता है, तो प्रयास करना पड़ा कि सुनील जी को अंबेडकर की जगह अंबेकर कैसे कहा जाए। और बाबा और नाना का जो अद्भुत सामंजस्य उन्होंने यहाँ बताया, मेरे छोटे भाई और मित्र हितेश जी, मंच पर बैठे हुए कुलपति जी, कुल सचिव जी, सुमेधा जी, वर्मा जी और मित्रों, अभी हमने इस गोष्ठी में दो महत्वपूर्ण वक्तव्य सुने। बाबा साहब का बहुत अछूता या कई बार गलत फहमियां फैलाने वाला पक्ष, चाहे उनके गुस्से की बात हो चाहे और बातें हों, और दूसरा देशभक्ति के लिए उन्हीं के कहे हुए आख्यानों से, कोट्स के माध्यम से जो बात कही गई, इसलिए मैं उसका रेपिटेशन पुनरावृत्ति नहीं करूंगा उन बातों की, क्योंकि ये बहुत प्रामाणिक तौर पर दोनों वक्तव्य कहे गए थे। कल मुझे पहली बार ये सौभाग्य मिला, यूं तो मैं मध्य प्रदेश में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा, पढ़ाया भी, लेकिन कल रात को हम लोग बाबा साहब की जन्मस्थली पर गए थे, और मैं आपको सच बता रहा हूं कि हमें इतना रोमांच हो गया, मैं इतना भावना से भर गया कि घूमते घूमते जहां पर उनकी अस्थियां रखी थी मैं वहां जाके बैठ गया थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके सुमेधा जी के साथ, क्योंकि मुझे लगा कि एक ज्योति पुंज जो इस छोटी सी जगह से पैदा हुआ वो इतना विशाल है कि उसके प्रकाश को बांधा नहीं जा सकता किसी जाति के नाम पर, किसी धर्म के नाम पर, यहां तक कि किसी राष्ट्र के नाम पर भी। हमें ऐसा लगा कि ये एक ऐसी ठंडी बयार है बाबा साहब के करुणा की, जिसे किसी दीवार से कैद नहीं किया जा सकता, कहीं रोका बांधा नहीं जा सकता, क्योंकि हवाओं को बांधना अपनी ही शायद नासमझी होती है। वो उस हवा की तरह थे, उस प्रकाश की तरह थे, और उसका असर हमने देखा। एक तरफ तो वो उस परंपरा के थे जो हमारे बहुत सारे समाज सुधारकों ने, कबीर हों, नानक हों, ज्योतिबा फुले हों, महर्षि दयानंद सरस्वती हों, और तमाम सारे लोग जिन्होंने समाज की बुराइयों को न केवल समझा बल्कि बहुत साहस के साथ ललकारा, और उनसे लड़ने के लिए, उन्हें दूर करने के लिए ईमानदार कोशिशें की। विरोध करके नहीं बैठे वो, उन्होंने लोगों को जोड़कर समाधान को सिद्ध करके दिखाया। हमारे तमाम समाज सुधारकों की यह श्रृंखला है भारत के इतिहास में। लेकिन संभवतः बाबा साहब ऐसे समाज सुधारक थे
जिन्होंने अपनी ऊंची पढ़ाई करके, जिन्होंने अपनी प्रतिभा से, मेधा से, प्रज्ञा से, करुणा से ऐसा स्थान प्राप्त किया जो समाज के उन सुधारों को व्यवस्था में अनुवादित कर सके। अब चाहे अस्पृश्यता की बात हो, चाहे जातिगत भेदभाव की बात हो, चाहे नारियों के ऊपर अत्याचार की बात हो, अन्याय की बात हो, चाहे श्रमिकों से 18 घंटे 20 घंटे काम लेने की खिलाफत हो, चाहे यहां तालाब में पानी पीने के लिए सबके अधिकार को दिलाने की बात हो, उन्होंने न्याय का पक्ष लिया और धीरे धीरे करके उसको संविधान में तब्दील किया। तो एक तरफ तो समाज सुधार के लिए सामाजिक जागरूकता, सामाजिक चेतना बहुत जरूरी है और उन्होंने एक विचारक के तौर पर, एक दार्शनिक के तौर पर, सुधारक के तौर पर वो सब किया। लेकिन दूसरी तरफ जब संविधान का निर्माण हुआ तो उन्होंने वो जिद्दोजहद करके उन सारे मूल्यों को जुड़वाया जो हमारे सनातन काल के मूल्य हैं। यूं तो कहने को हमारे संविधान के लिए उन्होंने 130 140 लोग बताते हैं 100 से अधिक संविधानों का अध्ययन किया, सच है, लेकिन जो मूल्य उसमें से निकल के आए उसकी हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी। उन पर और भी शोध की जरूरत है, और भी काम करने की जरूरत है, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत जो मैंने कल वहां कही, जब हमने देखा कि सैकड़ों लोग, शायद 1000-2000 लोग बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही भक्ति से, नंगे पांव महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों से वहां पर फूल चढ़ा रहे थे, मैंने उनकी आंखों को देखा, सपनों से भरी आंखें, श्रद्धा से भरी आंखें। और कल रात को मैंने उनको संबोधित करते हुए कहा कि ये जो पूजा है, अर्चना है, इस पूजा का कुछ हिस्सा प्रेरणा में परिवर्तित करो। हम जिन मूर्तियों की, जिन लोगों की पूजा करते हैं, बहुत अच्छी बात है कि हम उनके गुणों का ज्ञान, गुणों का स्मरण करते हैं, लेकिन जब तक वो पूजा उस प्रेरणा में परिवर्तित नहीं होगी जिसकी वजह से उन महापुरुषों को पूजा जा रहा है, तब तक वो सही पूजा नहीं होगी, सही भक्ति नहीं होगी। और दूसरी बात भी मैंने वहां से कही कि उनके जीवन के बारे में बहुत महान महान बातें हैं, विचारों के बारे में बड़ी अच्छी बातें हैं। एक पक्ष तो यह है जो समझना चाहिए, जो इन दोनों वक्ताओं ने समझाया, दूसरा पक्ष यह कि जो हम समझ के बैठे हैं, जैसा मैंने शुरू में कहा कि उनको बांध के नहीं रखा जा सकता बाबा साहब को, उसकी व्यापकता को समझते हुए हम अपने जीवन में और समाज में उन चीजों को कैसे लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कल वहां एक घटना बताई, आज भी थोड़े से संक्षेप में बताऊंगा। मेरे नाम की कहानी सत्यार्थी, मेरे भतीजे हैं दिनेश जी, सगे शर्मा लिखते हैं। 15 साल की उम्र में जब हमारा देश महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी मना रहा था तो मुझे भी बहुत प्रभावित किया गांधी जी ने, क्योंकि मैं अपने घर में देखता था, ब्राह्मण परिवार में, कि हमारी जो माएं हैं, बहनें हैं, जिन्हें मेहतरानी कहा करते थे लोग, वो सुबह सुबह आके मैला उठाती थीं, हमारे खुले पैखाने हुआ करते थे, और अपने सिर पर टोकरी में रख के जब वो निकलती थीं, कई बार वो मैला उनके गालों पे करता था और वो साड़ी से पहुंचती रहती थी। मुझे बहुत दुख होता था, बड़ा क्रोध आता था अपने ही परिवार पर कि ये हो क्या रहा है, लेकिन 8-10 साल की उम्र में मैं इससे ज्यादा क्या सोच सकता था। 15 साल की उम्र में जब ये गांधी जी की शताब्दी मनाई जा रही थी तो मुझे बहुत प्रेरणा और उत्साह मिली, क्योंकि कई नेता ऐसे थे हमारे शहर के
जो कहते थे कि छुआछूत खत्म कर देनी चाहिए, गांधी जी ने ये संदेश दिया है, हम छुआछूत को नहीं मानते, तो मुझे लगा कि मेरे भाई माता पिता इनसे ज्यादा बेहतर तो ये लोग हैं, मुझे भी इन्हीं की तरह बनना चाहिए। भले ही मैं ये खादी के कपड़े पहनता हूं, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइए कि मैं कोई नेता बनने के चक्कर में ये पहनता हूं या नेता बनने की मुझे इच्छा हुई थी। उस समय एक थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये न्याय की बात कह रहे हैं, ये बहुत ही मानवता की बात कह रहे हैं कि छुआछूत अस्पृश्यता बिल्कुल नहीं होना चाहिए, भेदभाव बिल्कुल खत्म होना चाहिए समाज से। तो हमने एक विचार किया कि ये जो बहनें हमारे यहाँ आती हैं, माएँ आती हैं, इनको बुलाया जाए और ये भोजन पकाएंगी। गांधी जी के नाम का एक नया पार्क बना था, नई मूर्ति स्थापित हुई थी विदिशा में, और ये लोग जो इतने ज्यादा क्रांतिकारी हैं, ये कहते हैं कि खत्म होनी चाहिए बुराई भारतीय समाज से, वो तो जरूर आएंगे अगर उनको बुलाया जाएगा तो भोज करने के लिए। तो 1969 में हमने एक ऐसा आयोजन किया गांधी जी के उस चबूतरे पर, नेताओं को बुलाया, सामाजिक कार्यकर्ता थे, बड़े बड़े अच्छी बातें करते थे, कुछ हमारे बहुत ही विदेशी विचारों से प्रभावित समानता के सिद्धांत को लेकर चलने वाले भाई थे शहर के, उन सबको हमने कहा कि आइए आप, हम लोग एक भोज रख रहे हैं। दिनेश भी चंदा इकट्ठा करने में हमारे साथ जुटा था और छोटा था हमसे, लेकिन और हमारे 2-3 साथियों को हमने मनाया और एक भोज का आयोजन किया। उन माओं के घर जब मैं गया और उनसे कहा कि आप चलिए भोजन बनाइए, तो बहुत नाराज हुई। उन्होंने कहा हमारा मजाक बनाना चाहते हो तुम लड़के लोग। मैंने कहा नहीं अम्मा जी, हम सचमुच आपके हाथ से खाना चाहते। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता, लोग छूते नहीं है हमें, गिलास में पानी नहीं देते, मंदिरों में हम जा नहीं सकते, ये कैसे हो सकता है। हमने कहा हमने सुना है नेताओं की और सामाजिक नेताओं की बातें। बोले सब मजाक है। बहुत समझाया हमने, तुरंत ही उनके घर में बैठ के उसी वक्त पानी मंगाया और खाने को कहा कि खाना भी खिला दो। डरते जो घर में खाना बना था रूखा सूखा ला के दे दिया, मैंने खाया, मेरे एक दोस्त ने खाया, एक और दोस्त थे वो भी ऊंची जाति के थे, वो थोड़ा नानुकुर करते हुए उन्होंने कह दिया मेरा उपवास है। तो चले तो थे हमारे साथ, लेकिन जरूरी नहीं है कि इस तरह के कामों के लिए एकदम ही परिवर्तन आ जाए समाज के अंदर। तो बैठ के हमने वहां खाया तो मां को लगा कि सही है, सही कह रहा है लड़का, ये रखा जाए। निश्चित तिथि पर वो आई, खाना पकाया, शायद उन्होंने 100-100 बार नहाया होगा, अपने कपड़े धोए होंगे, अपने बर्तन धोए होंगे कि किसी को कोई संदेह ना हो जाए कि हम गंदे रहते हैं। वो जब आई तो सब उत्साह के साथ एक खिचड़ी बनाई गई। 7 बजे का टाइम था, 7:30 तक कोई नहीं आया, समाज का ठेकेदार 8 बजे तक कोई नहीं आया। 8:30 के बाद हम जाने लगे और वहां पर दरवाजे खटखटाए लोगों के घरों में, नेताओं के घरों में, कि आइए खाना पक चुका है, आपने हाँ कर दी थी। तो किसी ने कहा कि अरे रे रे रे, हम भूल गए, हमने तो खाना खा लिया। किसी ने कहा अरे माफ करना, आज बेटा हमारा कुछ पेट खराब है, आज नहीं आ सकते हैं। किसी ने कहा देखो देखो अभी फोन आने वाला हाई कमान से, इसलिए हम वहां बैठे हुए हैं। लेकिन कुछ ने कहा कि हम आएंगे। तो हम 9 बजे वापस पहुंचे, 9:30-10 तक इंतजार किया, 10:30 बज गए, लेकिन एक भी व्यक्ति भोजन करने नहीं आया। मैं गांधी जी की उस प्रतिमा के साथ खड़ा खड़ा बहुत गुस्से में, बहुत दुख में, मेरी भावनाओं को मैं प्रकट किससे करूं, क्या करूं, कैसे करूं। मेरी हिम्मत नहीं थी कि उन माओं के सामने आंखों में आंखें डाल के बात कर सकूं, जिनके पैर छू के मैं लेके आया था वहां। थोड़ी देर बाद मैं उठा और मैं नीचे बैठ के उस खिचड़ी को अपने थाली में डाल के खाने लगा, और तब मेरा सारा गुबार गुस्सा फूट पड़ा। मैं
फूट फूट के रोने लगा। मेरे कंधे पर तभी एक स्पर्श, मां का स्पर्श लगा, जिन्हें अछूत कहते थे, अस्पृश्य कहते थे, उसके स्पर्श में मुझे अपनी मां का प्यार आया। जब उन्होंने कहा, बेटा तू क्यों रो रहा है, तूने तो जो किया कोई कर नहीं सकता, शहर में किसी ने किया नहीं, तूने वायदा किया था कि तू ये कर देगा, तू कर रहा है, हमने खाना बनाया तू खा रहा है, हमारे लिए यही काफी। मैंने उनके पैर छुए और जब मैं घर आया तो मेरे घर में पहले से कुछ मेरी बिरादरी के, मेरे परिवार की बिरादरी वाले बैठे हुए थे, ऊंची जाति के लोग, भड़काने वाले भी थे, कुछ पुरोहिताई का काम करते थे, वो सारे परिवार को धमकी दे रहे थे कि इनको निकाल दिया जाए, बहिष्कृत कर दिया जाए समाज से। तो मेरे बड़े भाई, माँ वगैरह सब उनको समझा रहे थे कि भाई लड़के को आने दो, आएगा तो हम बात करेंगे, डांटेंगे, सजा देंगे। मेरी माँ हाथ जोड़ के कह रही थी कि जाति निकाला ना करो हमारा, हमने क्या बिगाड़ा है। मैं जब दरवाजे पे खड़ा तो मैंने ये दो तीन दृश्य देखे तो मुझे बहुत गुस्सा भीतर से पहले ही था। तो उन लोगों ने कहा कि ये आ गया है, इसको मेरे घर वालों ने डांटा, उन्होंने कहा कि तुमने आज पूरी बिरादरी को गंदा कर दिया है, धर्म को नष्ट कर दिया है। मैंने कहा कि धर्म को नष्ट हमने नहीं किया है, हम तो इसी को धर्म मानते हैं, अगर इंसानियत धर्म नहीं है तो मैं किसी धर्म को नहीं मानता। और ये हमारे हजारों सालों की सनातन परंपरा में तो ये है ही नहीं है चीज, बाद में आई जैसा अभी बताया। तो मैंने कहा गंदगी तुम लोग फैलाते हो और सफाई करने वाली उन माओं के कंधे पर वो गंदगी जाती है, सफाई करने वाला पवित्र है या गंदगी करने वाला पवित्र है, ये फैसला करो तो मैं आपकी बात मानने तैयार। उन्होंने कहा कि इसको गंगा जी में स्नान कराने के लिए भेजो, 101 ब्राह्मणों का भोजन होगा, मुंडन करेगा, पैर धोके पिएगा सबके। तो मेरा गुस्सा और भड़क उठा। अंत में ये तय हुआ कि इस लड़के के लिए अलग कमरा दे दिया जाए जहां पर इसको खाना और पानी दे देंगे, और परिवार के लिए भी मुश्किल था और मेरे लिए भी मुश्किल था, लेकिन समझौता हुआ। उस पूरी रात मेरे मन में आया कि जिस घर में मैं अपनी बड़ी भाभी जो दिनेश की माँ थी और माँ के साथ बैठ के भोजन किया करता था, क्योंकि हमारी किचन में एक तरफ खाना बनता था चूल्हे पर, गैस वैस नहीं होती थी, नीचे चूल्हा था और उसी में आगे बड़ी जगह पे बैठ के खाते थे, तो उनके साथ खाता था मैं खाना, परिवार में सबसे छोटा होने की वजह से भाइयों में, लेकिन बंद हो गया। तो मेरे मन में कोई दुख नहीं हुआ, बल्कि उनके आंसुओं को देखकर और ज्यादा हौसला आया कि इस बुराई को खत्म करने के लिए जो परीक्षा देनी पड़ रही है ये तो कुछ भी नहीं है। कई बार हम जब समाज सुधार के लिए, समाज परिवर्तन के लिए करते हैं तो ये जो भावुकता है, जो भावना है, उसको परिवर्तित करना किसी और प्रकार की भावना में और अंत में संकल्प में, अपने संकल्प को और मजबूती देना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा आप कहीं ना कहीं भटक सकते हैं। मैंने फैसला किया कि मैं इस जात बिरादरी को दिल से निकाल दूंगा, दिमाग से निकाल दूंगा, अपने जीवन से निकाल दूंगा, और इसलिए मैं अपना नाम जो था मेरा उपनाम शर्मा, उसको हमेशा के लिए त्याग कर एक नया नाम अपने लिए रख लूंगा, क्योंकि ये जाति सूचक नाम ही समस्या की जड़ है। और मैं स्वामी दयानंद से प्रभावित था, गांधी जी से भी था, विवेकानंद जी से भी था, बाबा साहब से भी था, भगत सिंह, ये सब हमारे आदर्श हुआ करते थे। तो अंत में ये फैसला किया हमने कि हमारा नाम बदल के हम सत्यार्थी रख लेते हैं, और सत्यार्थी का अर्थ है सत्य की खोज, सत्य का विद्यार्थी, सत्य प्राप्त कर चुका हो ऐसा व्यक्ति नहीं, बल्कि जो सत्य खोजने में लगा हो। लेकिन वो जो कष्ट हमें झेलना पड़ा,
हमारे परिवार को झेलना पड़ा, अब तक झेलना पड़ रहा है। थोड़ा बहुत तो लोग अभी भी कहते हैं कि यार ये बाहर से कहीं आके बसे हुए शूद्र थे और अपने आप को ब्राह्मण कहा करते थे। तो ये लांछन हम पर लगता रहा, लेकिन हिम्मत यहीं से आती है, समाज यहीं से बदलता है जब कुछ लोग ये फैसला कर देते हैं कि हम इस बुराई का अंत करके लेंगे। मैं अपनी उन बातों के बारे में ज्यादा विस्तार से नहीं कह रहा हूं जो मैंने जीवन भर लड़ा है बच्चों के जुल्मों के खिलाफ, बाल मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, बाल वेश्यावृत्ति वगैरह। लेकिन इसी बात को एक और उदाहरण के साथ, एक और घटना के साथ जोड़ना चाहता हूं कि जब मैं बड़ा हो गया, 88 की बात है, तो हमने कहीं पढ़ा कि एक मंदिर पर, बड़े राजस्थान के मंदिर पर लिखा है यहां पर विधर्मियों, शूद्रों और विदेशियों का प्रवेश वर्जित, लिख दिया पंडितों ने राजस्थान में। ये बहुत 30 साल पुरानी बात है, 30-35 साल पुरानी। अब तो समाज बदल गया है, लेकिन अभी भी जो हमारे दिमागों में जकड़ने हैं उनको बदलने के लिए बहुत परिश्रम करने की जरूरत है। अभी तो हमारे समाज में एक नए तरीके की सोच पैदा हो रही है, नए सपने पैदा हो रहे हैं हमारे नौजवानों के अंदर, लेकिन एक तरफ नए सपने हों, दूसरी तरफ एक पुरानी जकड़न है जिससे हम मुक्ति नहीं पा पाते हैं। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि जब तक आप मन से आजाद नहीं होंगे तब तक आपकी पूरी आजादी नहीं मानी जाएगी। उन्होंने एक और बात कही कि जब तक आप, तब तक आप दलित बने रहेंगे जब तक कि आप दूसरों को खुद से ऊंचा समझते हो। तो ये मानसिक स्थिति है जिसके लिए हमें लड़ना है, सभी को, हर समूह को लड़ना है, क्योंकि जिस ट्रैक पर हम ले जाना चाह रहे हैं सब लोग मिलकर भारत को, उस पर ये बहुत जरूरी है कि सब लोग उन जकड़नों को छोड़ें और उनमें जो शाश्वत मूल्य भरे पड़े हैं उनको पकड़ें। तो नाथद्वारा के मंदिर में हमने कहा हम इसको चुनौती देंगे, इस बुराई को, और हम दलितों के साथ मंदिर में प्रवेश करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जिन बंधुआ मजदूरों को, उनके परिवारों को हम लोग मुक्त करा रहे थे और जिसके वजह से मेरे 3 साथी शहीद हुए, मेरे ऊपर अनेकों बार, मेरे परिवार के ऊपर अनेकों बार हमले हुए, उनमें से अधिकांश लोग अनुसूचित जातियों और जनजातियों के थे और कुछ मुसलमान बच्चे थे, कुछ पिछड़ी जातियों के भी थे, ज्यादातर बच्चे। तो हमने ये नहीं कहा कि हम बाबा साहब के नाम पर या गांधी जी के नाम पर कोई राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हमने उस समाज के उस वर्ग की उस समस्या को छुआ जिससे टकराना मौत से टकराने की तरह था, क्योंकि उनको गुलाम बनाने वाले लोग, चाहे किसी भी संप्रदाय या किसी भी जाति के हों, वो बहुत खतरनाक लोग और इस तरह के लोग थे। राजनीतिक तौर पर भी बहुत मजबूत थे, हमला करते हैं, बदनाम करते हैं, सब तरह की बात करते रहे। तो हम जब एक 50-60 दलितों को लेके किसी तरह अंदर नाथद्वारा के मंदिर में पहुंचे, वो भी हाई कोर्ट की मदद से, वैसे तो वो फेल हो गया था एक बार, हम निकले तो हमारे ऊपर हमला हो गया, हम नहीं जा पाए। फिर दोबारा हाई कोर्ट में किया, हाई कोर्ट ने संरक्षण दिया, क्योंकि हमारा संविधान इन सब बाह्यात बातों को नहीं मानता बल्कि उन्हें आपराधिक करार करता है। मैं बता दूं कि जिन 2 बुराइयों के खिलाफ मैं अपनी लड़ाई की बात कर रहा हूं, केवल वही 2 बुराइयां हैं जो अपराध की संज्ञा के अंदर हमारे संविधान का हिस्सा हैं। पहली अस्पृश्यता और दूसरी बेगारी, बंधुआ मजदूरी या ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इसके लिए कानून की भी जरूरत नहीं है, संविधान ने खुद उनको माना है कि ये अपराध हैं। तो वहां घुसे, घुसने के साथ ही हमारे ऊपर पहले से दरवाजा खुला हुआ था उस महान बड़े मंदिर का, अंदर कहीं घुसे थे कुछ लोग, 40-50 लोग, उसके जो बेसमेंट है, अंदर तलघर है, उसमें से निकल के आए और हमारे ऊपर बुरी तरह हमला कर दिया। मूसल जो होते हैं भांग कूटने के, या कुछ क्या कहते हैं उसको, जो गदा होते हैं घुमाने के, वो पहलवान लोग सुबह करते हैं अखाड़े में, उनसे हम पर हमला किया तो मेरी पसलियाँ टूटी तो नहीं, लेकिन पसलियों में बहुत गंभीर चोट आ गई। और अब भी मैं अगर आप लोगों के साथ 2-3 घंटे यहाँ बैठा रहूँगा तो मैं बिना बोले भी उस कष्ट को झेलता हुआ बैठूंगा,
और खासकर जब विदेश जाता हूं तो वो कष्ट बना रहता है। हमारे और कई साथी खून से लथपथ हो गए, हम लोग हॉस्पिटलाइज रहे, लेकिन वो बात इतनी फैल गई कि भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ने 2 हफ्ते के अंदर एक बयान दिया, जो खुद दलित थे, उन्होंने कहा कि मैं दलितों को लेकर नाथद्वारा के मंदिर में प्रवेश करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री और पूरी सरकार जो उस समय की थी घबरा गई और बहुत तामझाम से सब लोगों को ले जाकर वहां मंदिर में प्रवेश दिलाया गया और एक बहुत बड़ी घटना हुई। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ, जब उनका आवाजाही शुरू हो गई दलितों की उस मंदिर के अंदर, अस्पृश्य कहे जाने वाले लोगों की, तो जो साल, 2 साल 5 साल बाद हमने उसको देखा जाके, तो वहां की इकोनॉमी में सुधार हुआ, वहां की शिक्षा में सुधार हुआ, वहां की सामाजिक समरसता जो आजकल कहा जाता है, वो सामाजिक समरसता एक उस समय लगता था कि ये धर्म विरोधी काम कर रहा है कैलाश सत्यार्थी, ये मंदिर को छूत कर रहा है, लेकिन मैं कहता था कि सबके लिए अगर कोई जाना चाहता है, जबरदस्ती तो नहीं धकेले जाओगे, लेकिन कोई मंदिर में जाना चाहता है, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, गिरजाघर में, अगर कोई भी धर्म स्थल सबके लिए खुला नहीं है, कोई अगर उस पर श्रद्धापूर्वक जाता है, किसी द्वेषपूर्वक नहीं, किसी गलत इरादे से नहीं, तो परमात्मा की हर जगह पर सबका स्वागत होना चाहिए, सब स्त्रियों का, सब पुरुषों का, सबका। इसमें जात पात कहां अड़े आ रही है? ये तो हजारों साल से उन्हीं देवता की भक्ति करते थे, लेकिन ये बाहर बैठ के करते थे, जब अंदर जाने लगे तो स्कूलों में बराबरी हो गई, महिलाएं, लड़कियां बहुत ज्यादा स्कूल जाने लगी, दोस्तियां उन लोगों में आपस में हो गई, और एक 20 साल के अंदर, 15 साल के अंदर वो पूरा समाज बदल गया। तो कई बार हम लोगों को ऐसी पहल करनी पड़ती है। अभी जब कहा गया कि बाबा साहब कई बार कड़वे फैसले लेते थे या कड़वी बात करते थे, तो उसके पीछे एक ही बात था। आप सोचिए कि बहुत सारी माएं बैठी हैं, दादी बुआ बैठी हैं, अगर कोई बच्चा आपका जाके कीचड़ में गिर जाए मना करने के बाद, या चोट लगा के आ जाए, तो कई बार पहले आप थप्पड़ मारेंगी कि मेरे मना करने के बाद तू वहां गया कीचड़ में खेलने और चोट लगा के आ गया, इसके बाद रोते हुए गले लगाएंगी, फिर मलम पट्टी करेंगी, चाहे जो करेंगी। तो हमें कई बार ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं, केवल लीपापोती करने से काम नहीं चलेगा, हम सबको मिलकर एक अगर महान राष्ट्र बनाना है तो उसके लिए करना है। जो दूसरी बात इंपॉर्टेंट मैं समझता हूं वो ये है, ये तो मैंने कहा कि जब हम किसी के बारे में कोई बात करते हैं, किसी विचार पर आस्था रखते हैं, तो उस विचार को जीवन में उतारने के लिए हमें गहरा संकल्प, गहरी प्रतिबद्धता, गहरा समर्पण और गहरे से गहरा बलिदान, बड़े से बड़ा बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर हम विचार पर भरोसा करते हैं तो, या फिर उस विचार में आस्था ना करो, केवल बातचीत लिखा पढ़ी तक ही उसे सीमित रखो, लेकिन समाज को बेहतर बनाना है, बदलना है, तो उन महान विचारों को हमें अपनी जिंदगियों में उतारना पड़ेगा, जितनी हो सके, जितना हो सके। इसलिए मैंने ये दो उदाहरण अपने निजी उदाहरण दिए। बाबा साहब ने एक बात कही जो बहुत सारी बातें महत्वपूर्ण है, लेकिन एक बात मैं अभी कहना चाहता हूं कि संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, नहीं होना चाहिए, बल्कि ये जीवन जीने का माध्यम होना चाहिए। अब जीवन जीने का माध्यम अगर संविधान को आप मानते हैं, बाबा साहब के जो मानने वाले हैं, जो बाबा साहब का सम्मान करते हैं, तो संविधान को जीवन जीने के माध्यम की तरह देखा जाना चाहिए। और जीवन जीने के माध्यम का अर्थ क्या है? जीवन जीने का माध्यम, जीवन जीने का तरीका सभ्यता के निर्माण का, सभ्यता के विकास का की प्रक्रिया होती है, सब लोग अगर उन चीजों को जीते हैं तो। और इससे जुड़ा हुआ एक बहुत, हमारे भारत में तो बहुत वो विकसित नहीं हुआ है स्कूल ऑफ थॉट, लेकिन कहीं कहीं अभी जब ब्रेक्सिट हुआ यूरोप में, लंदन, ये ब्रिटेन अलग हुआ, तो एक बहस चली, उससे पहले वो स्पेन में चल चुकी है, अमेरिका में चल चुकी है, उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर।
विस्तार में मैं नहीं जा रहा, लेकिन संविधान का संवैधानिक संस्कृति, ये जो बात बाबा साहब ने कही इतने साल पहले, वो संवैधानिक संस्कृति के निर्माण की बात है। और संवैधानिक संस्कृति के निर्माण का अर्थ है कि कम से कम उसकी जो प्रीएम्बल है, चार मुख्य बातें हैं, न्याय, समानता, बंधुत्व या फ्रेटर्निटी और फ्रीडम या लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और चौथी क्या है, सोशल जस्टिस, पहली जस्टिस है, जस्टिस मैंने भी बोला था, तो जस्टिस। अब ये चारों बातें दो चीजों से निकली। एक बार उन्होंने कहा, बाबा साहब ने धम्म की व्याख्या करते हुए कहा जब उन्होंने नवबौद्ध धर्म ग्रहण किया, तो उन्होंने कहा कि प्रज्ञा और करुणा हमारी व्यक्तिगत नैतिकता का और सामाजिक व्यवहार का आधार या नैतिकता, सामाजिक नैतिकता का निर्माण करते हैं। प्रज्ञा और करुणा ये धम्म के आधार हैं। अब प्रज्ञा क्या है? बुद्धि, बुद्धि के बाद प्रतिभा, प्रतिभा के बाद मेधा, मेधा के बाद मनीषा, मनीषा के बाद रितंभरा, सुपर्णा, और इसके बाद बुद्धि की एक आखिरी सीढ़ी है प्रज्ञा, प्रज्ञावान पुरुष, वो समाधि का स्तर है। तो मैं कई बार कहता हूं कि हम सब लोग करुणा और चेतना दोनों के साथ पैदा हुए हैं, दोनों चीजें एलिमेंट हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा है, हमारे जीवन का हिस्सा है। लेकिन चेतना वो चीज है जो हमें, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, और करुणा वो चीज है जो कि नैसर्गिक हमारे अंदर है, बायोलॉजिकली हमारे अंदर है। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ उसे चिपटाती है, माँ बच्चे से चिपटता है, सबसे पहले रोता है, दूध मांगता है, चिपटा रहता है। माँ बेटे के बीच का जो रिश्ता है उसको सोशोलॉजिकली आप कितनी डेफिनेशन देते रहे, लेकिन वो बायोलॉजिकली भी एक रिश्ता है जो कहीं ना कहीं भीतर स्थित करुणा का रिश्ता है। और उस पर बहुत सारे शोध भी हो लिए हैं कि जो न्यूरॉन्स हमारे हैं, जो हमारे इमोशनल ये जो जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, हार्ट, इस पर अध्ययन हुए हैं। दिमाग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मुकाबले दिल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बहुत ताकतवर है, 5000 गुना तक ताकतवर होता है, इस पर बहुत अध्ययन हुए हैं, वैज्ञानिक अध्ययन। तो वो हमारे सबके अंदर है करुणा का। उन्होंने करुणा को एम्फेसाइज इसलिए किया कि जब हम दूसरों की कष्ट को अपने कष्ट की तरह महसूस करके, ये धम्म का, बुद्ध धर्म का आधार है। हमारे धर्म में भी, हमारे सभी धर्मों में कहीं ना कहीं इसकी व्याख्या करी गई है या इसके बारे में बात की गई है। हिंदुत्व में, ईसाई, हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, वो तो सनातन धर्म है, लेकिन तब भी लोग जो व्यवहारिक भाषा में कहते हैं। तो आरतियों में कहा जाता है तुम करुणा के सागर, तो इस तरह की चीजें कही जाती हैं, करुणा निधान कृपाण राम के लिए, भगवान राम के लिए कहा जाता है, ये सब चीजें हैं सब जगह। तो करुणा जो है वो दूसरों के दर्द को अपना दर्द की तरह महसूस करते हुए, मानते हुए नहीं, महसूस करते हुए उस दर्द के निवारण के लिए सक्रियता ही करुणा है। केवल महसूस करने से काम नहीं चलेगा, उसके निवारण के लिए सक्रिय प्रयास करना, जैसे आप अपने दर्द को निवारण के लिए करते हो, वो करुणा का आधार है। अगर बाबा साहब ये आधार दे रहे हैं हमारी सोच का, हमारे चरित्र का, हमारी नैतिकता का, तो इस पर आप सबको, हम सबको सोचना चाहिए। और जब करुणा के साथ आप किसी से जुड़े हुए होते हैं तो कोई भेदभाव हो ही नहीं सकता। हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने जो बात कही, जो चारों बातें एक ही मंत्र में मैं बता के खत्म करता हूं, एक ऋग्वेद का मंत्र है जिसको हमने कहा जस्टिस, इक्वालिटी और फेटर्निटी, ये सब चीजें। तो ये एक मंत्र में कहीं, आज सुबह ही हम लोग अपना हवन कर रहे थे तो वो मंत्र कर रहे थे, और सब लोग, बहुत लोग जानते होंगे, हजारों साल पहले ऋषि ने कहा संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम
देवाभागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। तो साथ चलें सब लोग, संगत शब्दम, हम सब साथ साथ चलें, ये संकल्प हम लोग लेते हैं। कोई पिछड़ ना जाए, कोई पिछड़ा ना हो जाए, कोई बिछुड़ ना जाए हमसे, हम सबको साथ लेकर चलें। यह हजारों साल पहले कहा गया और वही कहीं ना कहीं परिलक्षित होता है जब हम कहते हैं कि हमें एक समावेशी समाज बनाना है, हमें एक समता मूलक समाज बनाना है, हमें एक न्यायपूर्ण समाज बनाना है। तो वो कैसे बनेगा यार, सब लोग साथ साथ चलने की इच्छा नहीं रखेंगे तो किसी को हम आगे धकेलेंगे, किसी को पीछे धकेलेंगे। संगत छद्म, और हमें बराबर आधार मिलना चाहिए, समानता के अवसर, तभी तो हम चल पाएंगे। जिसे कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड, लेवल वॉकिंग फील्ड, लेवल रनिंग फील्ड, तब हम चलेंगे साथ में। सबको मौका साथ साथ चलने का। दूसरा संवदध्वम, सबको अपनी बात कहने का मौका और सब लोग साथ साथ बोल सकें। अब जो लिबर्टी है, फ्रीडम है स्पीच की, अब संवदध्वम में अगर सबको बोलने की आजादी है और सब बोल सकते हैं साथ साथ, कोई ऐसा नहीं है कि उससे कहा जाए तू अपना मुंह बंद कर ले और सिर्फ मैं ही बोलूंगा, ये तो हमारे ऋषि ने नहीं कहा और ना ये संविधान में कहा, तो ये दूसरी बात है। और एक आखिरी बात जो उन्होंने कही कि संजानानाम उपासते, हम ऐसे ज्ञान का निर्माण करें जो ज्ञान का निर्माण हम सब लोग मिल बैठ के करें। उपासना का मतलब सिर्फ भगवान की भक्ति नहीं है, उपासना का अर्थ है कि साथ मिल बैठकर कोई उद्देश्य पूर्वक कार्य करना। तो हम लोग सब उद्देश्य पूर्वक साथ साथ बैठें और नॉलेज का कंस्ट्रक्शन करें, ज्ञान का निर्माण करें। इसको एंथ्रोपोलॉजी के लोग जानते हैं, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, कि सब मिलकर एक ऐसे ज्ञान का निर्माण करें जो सबके लिए होगा, सबका होगा। तो मैं कई बार इस पर बात करता हूं कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का, शिक्षा का लोकतंत्रीकरण, उससे ज्यादा जरूरी आज की दुनिया में हो गया डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, उससे भी ज्यादा जरूरी हो गया डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अब चला रही है दुनिया को। तो ये जो साथ बैठ के ज्ञान का सृजन करना, सबके लिए ज्ञान का सृजन करना, ये उस मंत्र का अर्थ है। इसीलिए ज्ञान और शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। आज भी इस 2 घंटे के अंदर जो हम लोग यहां बैठे हैं, 2 घंटे के अंदर हमारे देश में 16-17 बच्चे चुराए जा चुके होंगे। इन 2 घंटों के अंदर में हमारे देश में कम से कम 10 बच्चों के साथ यौन शोषण उत्पीड़न हो चुका होगा। इन 2 घंटों के अंदर हमारे देश में 6 बच्चियों के साथ या बच्चों के साथ बलात्कार हो चुके होंगे इन 2 घंटों में। ये हमारे भारत सरकार का ऑफिशियल आंकड़ा है जो सर्वोच्च न्यायालय में भी प्रस्तुत किया जाता है, NCERB की रिपोर्ट में। तो जब हम बाबा साहब की बात करते हैं तो हम इसको देखें कि क्या हम सबको शिक्षा दे पाए, क्या हम सबको न्याय दे पाए। बाबा साहब कहते थे ज्ञान जो है, शिक्षा है, वो तो शेरनी का दूध है। शेरनी का दूध पियोगे तो एकदम आप शावक की तरह, सिंह की तरह बनोगे, तो वो चीज नहीं हो पा रही। वो कहते थे शिक्षा ही वो तरीका है, वो एक वेपन है जिससे कि आप इन सामाजिक बुराइयों को जो सदियों से चली आ रही हैं वो खत्म की जा सकती हैं। तो सब लोगों के लिए शिक्षा, अच्छी शिक्षा मिल सके, ये हमारी प्रतिबद्धता है। अभी नई शिक्षा प्रणाली की बात हुई और मुझे बड़ा, मैं मध्य प्रदेश का हूँ इसलिए और भी गर्व होता है मुझे कि मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने नई शिक्षा प्रणाली लागू करी है। तो सबके पीछे जो उद्देश्य हैं वो हम सबको साझा बनाने पड़ेंगे। वो जो साझापन है, संगत छद्म संवदध्वम संभो मनांसि जानताम, सब मिल बैठकर विचार करें, जो बात हमारे दोनों पूर्व वक्ताओं ने कही कि जब तक मिल बैठ के आपस में बातचीत नहीं कहेंगे करेंगे, खुल के बातचीत नहीं करेंगे, झगड़ा भी कर लो आपस में बैठ के, क्या बुराई है। झगड़ा घरों घर घर में होता है, बाप बेटे, माँ बहन के अंदर, सबके अंदर होता है झगड़ा, लेकिन वो झगड़ा क्रूरता भरा नहीं होता, वो झगड़ा अलगाव भरा नहीं होता, वो झगड़ा आपस में अगर कुछ विचार मतैक्य नहीं है तो उसको सुलझाने के लिए हो सकता है। हम सब लोग मिलकर हमारे बाबा साहब को फिर से बहुत श्रद्धांजलि
अर्पित करते हैं। और मैं फिर दोहराता हूं कि हमें संवैधानिक संस्कृति का निर्माण करना चाहिए। राजकीय स्तर पर राजनीति करने वालों के लिए यह सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि वो अपने संविधान को केवल कहीं कहीं उसका हवाला देने के लिए या कई बार शपथ लेने के लिए ही प्रयोग ना करें, बल्कि उनके जीवन में, आचरण में और सामूहिक आचरण में संविधान के चारों मूल तत्व शामिल हों। ये राजनीतिक तौर पर उसकी संवैधानिक संस्कृति का निर्माण होगा। और सामाजिक संस्कृति के निर्माण के लिए हम सबको ये अपने विचारों, अपने दिमाग से आज़ाद होकर ऊपर उठना पड़ेगा कि हम केवल एक ही समूह में बंद रहेंगे। कोठरी शब्द का प्रयोग किया, एक ही कोठरी में बंद रहेंगे, ये तो शायद हमारे लिए ही विनाशकारी होगा, देश के लिए तो है ही है। आप अपने अपने तरीके से ये काम कर सकते हैं। जब मैं आखिरी एक 30 सेकंड में बता दूं कि जब मुझे वो नोबेल पुरस्कार लेने के लिए बुलाया गया, तो उससे पहले मेरे मन में बहुत सारी बातें आ रही थी। ये सारे महान पुरुषों के नाम जो मैंने लिए, मेरे दिल दिमाग में गुजर निकल रहे थे। उससे पहले मैं प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति जी से मिला वहाँ नॉर्वे जाने से पहले, मैं और सुमेधा जी और मेरा परिवार। तो राष्ट्रपति जी ने, उस समय प्रणव दा थे, उन्होंने बहुत भावुक होकर एक बात कही कि कैलाश जी, कहने को तो 8-9 लोगों को, भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है, लेकिन शांति पुरस्कार जो भारत में पैदा हुआ पहला भारतीय, वो आप हैं शांति पुरस्कार लेने वाले। ये मैं जानता था, कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन दूसरी जो बात कही वो मुझे मालूम नहीं थी। उन्होंने कहा कि ये 130 करोड़ लोगों की धरती पर एक भी नोबेल मेडल नहीं है जो ज्ञान का, शांति का, मानवता का संदेश दुनिया को देती रही है, उस धरती पर एक भी नोबेल मेडल नहीं है। चाहे वो शांति की बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कहा इसी किसी भी चीज की। लिटरेचर का जो एक आया था सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर जी के माध्यम से, वो चोरी हो गया, उन्होंने कहा वो चोरी हो गया। तो इसके बाद वो किसी को पता भी नहीं चला कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। अब ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात थी कि इस महान देश में एक भी मेडल नहीं है। तो जब मैं उसको लेके आया वहां से, तो मैंने, बैठ जाइए, तो मैंने उनको एक चिट्ठी लिखी कि ये चूंकि पहला पुरस्कार है तो इसको मैं अपने पास नहीं रखना चाहता, मैं इसको राष्ट्र के नाम समर्पित करना चाहता हूं। उन्होंने कहा ये कैसे होगा। मैंने कहा मैं आपको दे दूंगा, आप जो चाहें करें, नहीं तो मैं गांधी जी की समाधि पर जाकर रख दूंगा, क्योंकि गांधी जी का भी कई बार इसके लिए नाम चला था, तो मैं उनको समर्पित करके कृतज्ञ हो जाऊंगा। बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक प्रोटोकॉल बनाया कि इससे पहले दुनिया के इतिहास में किसी ने अपना पुरस्कार राष्ट्र को समर्पित नहीं किया था। अंत में हम और वो जाके उनके पास चले गए और उनके हाथ में वो मेडल समर्पित कर दिया। तो वो काफी भावुक हुए। तो मैंने उनसे कहा, राष्ट्रपति जी, आप बोल नहीं पा रहे थे, वो एकदम उनके हाथ में मेडल था और मैं उनको पकड़ा चुका था। तो उन्होंने कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये क्या बोलूं, धीरे से उन्होंने कहा जाने से पहले, क्योंकि ये घटना कभी घटी नहीं और मैं इस घटना का न केवल साक्षी हूं बल्कि मैं भी शामिल हूं इसमें। तो मैंने वहां एक कबीरदास का दोहा पढ़ा, मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सब तोर। ये मैंने भारत माता के लिए कहा, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए कहा। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सब तोर, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। और मैंने वहां रख दिया। भारत को एक नया प्रोटोकॉल बनाना पड़ा कि राष्ट्रपति इस तरह की चीजें ले सकते हैं किसी से। मैंने कहा कि कुछ भी हो जाए मैं तो नहीं रखूंगा, क्योंकि ये राष्ट्र का है, भारत माता का है, ये सम्मान आप सबका है। अगर आप भारत माता की जय के नारे लगाते हैं, आप जय भीम के नारे लगाते हैं, जितनी बार मैं ये नारे लगाता हूं या सुनता हूं, मुझे
बड़ा संकल्प भीतर से आता है, मेरी एक नैतिक जिम्मेवारी और जागती है कि जब मैं ये बोल रहा हूं तो मैं कर कितना रहा हूं। सच कह रहा हूं मैं आपसे, मैं नींद नहीं आती मुझे कई बार, मैं सोचता हूं कि अगर भारत माता की एक भी बेटी किसी दरिंदे की हवस का शिकार होती है और उसको वक्त पे न्याय नहीं मिलता तो मैं भारत माता की शायद पूरी सेवा नहीं कर पा रहा हूं। मैं एक ऐसे भारत को देखना चाहता हूं जहां एक भी बेटी कहीं असुरक्षित महसूस ना करे, चाहे रात हो चाहे दिन हो, और अगर उसके साथ कोई दुर्घटना घट गई है तो उसे उसी वक्त जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके। ये बात हमेशा सोचता हूं और आप लोगों से कहता हूं। उसी दिन जब मैं खड़ा था वह मंच पर तो मैं लिख के पढ़ने की मुझे आदत नहीं है, और मैं पहला, जैसा मैंने कहा कि पहला व्यक्ति था जो ये कह चुका था कि मैं संस्कृत में, वैदिक मंत्रों में और संस्कृत में अपनी बात शुरू करूंगा और हिंदी में बोलूंगा, सरल हिंदी में, और थोड़ा अंग्रेजी बाद में बोलूंगा। तो मेरे कागज इधर उधर गुम हो गए। फिर मुझे एक बात याद आई जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बचपन की कहानी। एक बार जंगल में आग लगी बहुत और सब पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे अपने बचाने के लिए अपनी जान, तो उनमें शेर भी था, जंगल का राजा। तभी एक छोटी सी चिड़िया ने देखा कि ये शेर, चिड़िया को देखा शेर ने और कि ये कहाँ भागी जा रही है। चिड़िया सीधी लपटों की तरफ उड़ी जा रही थी, तो वो हैरान हुआ, चिल्लाया कि तुम कहाँ जा रही हो लपटों की तरफ। उसने कहा, महाराज मैं इस जंगल की आग को बुझाने जा रही हूं, क्योंकि मैं यहीं पैदा हुई हूं, यहीं का दाना पानी मैंने खाया है। शेर ने कहा, तुम मर जाओगी। चिड़िया ने जवाब दिया, महाराज माय किंग लुक एट माय बीक, मेरे चोंच की तरफ देखो, मेरी चोंच में रखी एक पानी की बूंद को देखो, मैं इस पानी की बूंद को लेकर जा रही हूं, मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रही हूं। हमारे देश और हमारी मानवता को महान बनाने के लिए हम सब ये महसूस करें कि हम कर सकते हैं। हमारे अंदर भी एक चिड़िया है जो कई बार अकुल आती है, करुणा से प्रज्ञा से उस चिड़िया को जगाइए और सही मायनों में बाबा साहब को श्रद्धांजलि देते हुए राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति और मानवता के प्रति कोई कंट्रीब्यूट करिए, ताकि जब आप छोड़ के जाएं इस दुनिया को तो ये दुनिया अब से बेहतर दुनिया बन सके। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि जी। आप सभी को बताते हुए बड़ा हर्ष है कि हमारे बीच हमारे क्षेत्र के माननीय सांसद महोदय भी अपनी गरिमा में उपस्थित रह रहे हैं। विश्वविद्यालय परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है और मैं माननीय सांसद महोदय के स्वागत के लिए कुल सचिव डॉक्टर अजय वर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारे प्रदेश को अग्रणी बनाने वाले माननीय मंत्री जी, जो न केवल स्वयं नेतृत्व कर रहे हैं अपितु सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों, कुल सचिवों के साथ में और विद्यार्थियों के साथ एक जीवंत संपर्क बनाकर उच्च शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण किस प्रकार से हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वित कर सके उसके लिए प्रयासरत हैं। मैं माननीय को अवगत कराना चाहूँगा कि हमारा विश्वविद्यालय पूर्व में एक राष्ट्रीय संस्थान रहा है, जहाँ पर उच्च शिक्षा में गुणवत्ता प्रबंधन पर एक उत्कृष्ट शोध कार्य भी हुआ है, जिसकी पुस्तक का विमोचन हमारे UGC के अध्यक्ष DP सिंह साहब ने किया था। मैं डॉक्टर LS सोलंकी को आमंत्रित करता हूँ, वो अपनी पुस्तक भेंट करना चाहेंगे माननीय मंत्री जी को। हमारे सभी अतिथियों को, क्योंकि ये अंग्रेजी में पुस्तक लिखी है, उसका हिंदी अनुवाद भी हुआ है और ये उच्च शिक्षा संस्थानों में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के ऊपर आधारित है। देश की स्वतंत्रता के बाद पहली बार हमें ऐसी एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिली है
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो शिक्षा के भारतीकरण पर जोर देती है, जो मल्टीडिसिप्लिनर अप्रोच पर जोर देती है और साथ ही वो समावेशी शिक्षा पर जोर देती है, और इन सब बातों को हमारे मध्य प्रदेश ने बड़ी अग्रणी भूमिका निभाई है। और आज के हमारे इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में अध्यक्षता कर रहे माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग ने इसमें न केवल सक्रिय नेतृत्व दिया है अपितु हम सबको वो मार्गदर्शन और प्रेरणा दी है कि हम गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा हमारे प्रदेश में जो दें वो एक देश के लिए मॉडल बन जाए। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ माननीय मंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी। बाबा साहब की जयंती के अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू में मंच पर विराजमान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अभिजीत ने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी। हम सबके सुपरिचित नोबेल पुरस्कार विजेता कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय कैलाश सत्यार्थी जी, श्रीमान सुनील जी अंबेडकर जी, हमारे विद्यार्थी परिषद के पूर्व संगठन मंत्री और बहुत सारे अलग अलग दायित्वों का निर्वहन कर चुके थे, बहुत प्रेम से हम उनको भाई साहब कहते हैं। इसी कार्यक्रम में पांचन के संपादक माननीय हितेश जी जिनने अपनी बात रखी, माननीय सांसद जी, माननीय कुलपति जी, कुल सचिव जी, समूचा मंच, मेरे अध्यक्षीय भाषण का अर्थ ये कि मेरे को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए था और मैं वो कोशिश कर रहा था क्योंकि विषय अपने सारे आ गए, अब मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। कमोबेश एक एक लाइन में अगर अपन समझ लें, जैसे हमारे हितेश जी ने बहुत अच्छी बात कही कि बाबा साहब भी है, बाबा भी है और नाना भी है, उसमें उनने पूरी बात अपनी एक तरह से निचोड़ के दी है। चुनावी राजनीति को लेकर के माननीय भाई साहब ने बात कही कि चुनाव जीतना और चुनाव जीतने के लिए जो कुछ करना कराना उसके बजाय विचार को प्राधान्यता देना, बाबा साहब के जीवन का ये जो पक्ष है ये बहुत महत्व का है। जो आपने बात कही है कि हमारे बीच में, और उदाहरण भी दिया कि जिसने इसको समझा और वो जाके पाकिस्तान के कानून मंत्री भी बन गए, लेकिन अंततः उनको पछतावा हुआ और वो वापस यहीं आए। बाबा साहब चुनाव भले ही नहीं जीते लेकिन समूचे भारत का दिल जीत लिया बाबा साहब ने। वो जो उनका योगदान है, एक सामाजिक विषमता को लेकर जिस प्रकार से संघर्ष किया बाबा साहब ने, वाकई वो स्तुत्य है, हम उनको स्मरण करते हैं। माननीय सत्यार्थी जी के लिए क्या कहूँ, उनने तो सारी बात अपने जीवन से उतार करके निचोड़ रूप में भी दी है, बाबा साहब को दृष्टिगत रखते हुए भी बात जोड़ी है। मैं बाबा साहब के बारे में इतना ही बोलना चाहता हूँ किसी और पक्ष को रिपीट करने के बजाय, जो संविधान की मूल आत्मा है उसमें उन सारी बातों को जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन मेरी दृष्टि में एक बड़ा काम उनने जो किया है वो हमारे अपने विगत 1000 वर्ष की गुलामी को दृष्टिगत रखते हुए जो राज्य और केंद्र के संबंध होते हैं, उन राज्य और केंद्रों के संबंधों के कारण से कमोबेश राज्य स्वायत्त हो जाते हैं। वो स्वायत्त होने के कारण से धीरे धीरे आगे जा करके उनकी अलग भावना बन जाती है और वो एक अलग देश के रूप में मान्यता लेने की दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। और ये जीवन का किसी भी राष्ट्र का सबसे बड़ा कठोर एक पक्ष, कम से कम भारत के संदर्भ में, हमारे देश में जब जब भी संकट आए वो इसी रास्ते से आए। ऐसे में हमारा केंद्र मजबूत होना चाहिए, केंद्र आधारित राजनीति की दृष्टि से, और ने जो पार्लियामेंट में स्वयं ने भी समय निकाला था और जो जीवन में उनने अपने संविधान के अंदर निचोड़ निकाल के दिया है, वाकई में वो स्तुत्य है कि जिसके कारण से अगर दिल्ली मजबूत होगी, केंद्र मजबूत होगी, तो राज्य तो स्वतः ही अपने आप उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। और इस नाते से संविधान में उनने जो इन बातों का ध्यान रखा है, हमारी जातिगत विषमताएं, बाकी सारी चीज़ें उनने बहुत सारे ढंग से दी, हम बहुत सारे प्रकार से हम उनका एक तरह से स्मरण भी करते हैं और अभिनंदन करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अंबेडकर विश्वविद्यालय में आज ये एक तरह से हमारा हवन हुआ है, यज्ञ हुआ है, और विचारों के इस यज्ञ का आनंद हमने लिया है। वो सच्चे अर्थों में जयंती का अर्थ भी ये है कि हम उनके हर एक आदमी को आना और जाना, जाना और आने का क्रम तो इस मृत्यु लोक में सदैव बना रहेगा, लेकिन जाने और आने के क्रम में हमारे द्वारा किए गए कार्य से हम जिंदा रहते हैं। तो बाबा साहब ऐसे उनके विशिष्ट प्रकार के अलग अलग कामों के कारण से जाने जाते रहेंगे। अंबेडकर विश्वविद्यालय उनके विचारों को न केवल आगे बढ़ाएगा
बल्कि हमारी सनातन जो संस्कृति है उसको लेकर के जो जो हमारी संतों की विचारधारा है या बाकी चीज़ों के द्वारा जो हमारे अपने जीवन मूल्य है उनको स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय अपने उस मूल आत्मा में प्रवेश करते हुए काम करने के लिए आगे बढ़ रहा है। कुलपति जी ने कहा है कि कुछ जिले हमको जोड़ दो, मैं जिले जोड़ने में तो हमने बात आपकी मान ही ली है कि ये जो जिले हम आपके साथ जोड़ेंगे और इन जिलों के साथ साथ जो मूल काम आपके पास है, जो सामाजिक विज्ञान के माध्यम से अम्बेडकर विश्वविद्यालय की जो मूल स्थापना हुई, उस विश्वविद्यालय की स्थापना को आप चरितार्थ करने में अपने ठोस कदम बढ़ाएंगे, ये अपेक्षा करते हुए आज के इस अवसर पर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। मैं कार्यक्रम के धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर अजय वर्मा जी को। परम आदरणीय बाबा साहब की जन्म जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में कुल सचिव ग्रुप में आप सभी का मैं स्वागत करते हुए सर्वप्रथम आभार व्यक्त करता हूं हमारे नोबेल पुरस्कार विजेता परम आदरणीय कैलाश सत्यार्थी जी का, जिन्होंने विश्वविद्यालय में पधारकर हम सबका मार्गदर्शन किया, हमें अपने विचारों से अवगत कराया। मैं आभारी हूँ सुनील अम्बेकर जी, राष्ट्रीय प्रचार मंत्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक जी का, जिन्होंने आज के कार्यक्रम में पधार कर हम सबका मार्गदर्शन किया। भाई साहब, हम आपका बहुत बहुत आभारी हैं। हम आभारी हैं आदरणीय परम आदरणीय मोहन जी यादव जी के, मंत्री उच्च शिक्षा विभाग। हम आभारी हैं आदरणीय हितेश शंकर जी, संपादक पांचन। हम आभारी हैं आदरणीय सांसद जी के, भाई साहब आप उपस्थित हुए, बहुत बहुत आभार। हम आभारी हैं परम आदरणीय कुलपति जी के, जिनके मार्गदर्शन में आज का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आभारी हैं आदरणीय गणमान्य नागरिकों के, विश्वविद्यालय में आपकी उपस्थिति, आदरणीय रामेश्वर यादव जी, केदार जी गोयल जी, नीलेश सोलंकी जी, सचिन शर्मा जी, सुरेश सिलावट जी, अतिरिक्त संचालक जी, डॉक्टर विजय खरे जी, रेखा आचार्य जी, डॉक्टर एल एस सोलंकी कुल सचिव जी, डॉक्टर संजय सोनी जी, संघ का अध्यक्ष डॉक्टर मनीषा सक्सेना जी, देवनाथ जी, शैलमणि त्रिपाठी जी और सभी फैकल्टी मेंबर्स, हमारे कर्मचारीगण अधिकारीगण, हम सबके आभारी हैं। हम आभारी हैं प्रेस और मीडिया से पधारे हुए सभी आदरणीय साथियों के, आपके सहयोग से ही हमारा कार्यक्रम संपन्न हो पाता है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अब मैं आदरणीय डीके वर्मा सर को पुनः आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद सर। हमारे इस विश्वविद्यालय में पधारे माननीय अतिथियों को विश्वविद्यालय की ओर से मोमेंटो एक चिरस्थायी स्मृति के रूप में रहे, इसके लिए मैं माननीय कुलपति जी को अनुरोध करता हूँ कि वे हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी आदरणीय कैलाश सत्यार्थी जी को विश्वविद्यालय की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट करें। हमारे सारस्वत अतिथि परमादरणीय श्री सुनील अम्बेकर जी को स्मृति चिन्ह विश्वविद्यालय की ओर से भेंट करें। हमारे प्रदेश के माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं निवेदन करता हूं हमारे माननीय कुलपति जी से। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे कुलपति जी को। विशिष्ट अतिथि आदरणीय हितेश शंकर जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए
मैं कुल सचिव महोदय को आमंत्रित करता हूँ कि वे उधर। हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय सुमेधा सत्यार्थी जी के लिए भी मैं स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए माननीय कुलपति जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे इस विश्वविद्यालय का स्मृति चिन्ह आदरणीय सुमेधा जी को भेंट करें। आज का इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन सत्र हम यही समाप्त करते हैं और हमारे सभागृह में पधारे सभी आमंत्रित अतिथिगणों का हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और आप सभी को स्वल्पाहार के लिए आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ सभा के पहले हम राष्ट्रगान के लिए आप सब लोगों से निवेदन है कि कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।